साथियों, फिजिकल केमिस्ट्री का आज हम वो चैप्टर करने जा रहे हैं जो फिजिकल केमिस्ट्री का भीष्म पितामह है, और ये तीन चार चैप्टर से एक साथ कनेक्टेड है। अगर आप ड्रॉपर हैं या आप 12th क्लास में हैं या आप 11th क्लास में ही हैं, मोल कॉन्सेप्ट का इससे चमत्कारिक कंटेंट, इससे बेहतरीन लेक्चर आपको ना आज तक पढ़ाया गया है ना आगे कभी पढ़ाया जाएगा। कॉन्सेप्ट्स, शॉर्ट नोट्स, ट्रिक्स, PYQs, फॉर्मूला, सब कुछ यहाँ कवर होने वाला है, और मैं अपना बेस्ट आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि खुद से जीतने की जिद है मुझे और खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर जमाना है। तो अगर आप सभी लोग इस सेशन के लिए तैयार हैं, सुपर एक्साइटेड हैं, तो चैट सेक्शन में मैं आपका वेट कर रहा हूँ। एक बार जल्द से जल्द बता दें, बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है भाई। मतलब अगर आपको ये चैप्टर आता है तो आपको फिजिकल केमिस्ट्री पूरी आती है, अगर ये नहीं आता है तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या हम शुरुआत कर सकते हैं? ऑलराइट, बिना समय खराब किए, क्योंकि मैं बिना मतलब का माहौल बनाने में बिलीव नहीं करता हूं। माहौल इज ऑल अबाउट कंटेंट। स्टे फोकस, टेक एक कसम सबको दिला रहा हूं, शुरू से लेकर आखिर तक पूरे फोकस के साथ में बने रहना है। अपनी मेंटल फिजिकल स्ट्रेंथ को टेस्ट करना है, चेक करना है, आपकी जिम्मेदारी है। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या हम इस चमत्कारिक सेशन की शुरुआत कर सकते हैं? आप सभी के परिवारों को होली के त्योहार की शुभकामनाएं। एंड मैं आपको हमेशा कहता हूं कि सक्सेस के लिए त्योहार छोड़ने पड़ते हैं। त्यौहार छोड़ के मैं भी आया हूँ, क्योंकि बोलने से नहीं होता, करके दिखाना पड़ता है। त्यौहार छोड़ के मित्तल सर भी आए हैं, विकास सर भी आए हैं, कई लोग यहाँ पर बैठे हैं। शुरुआत करते हैं। मोल कॉन्सेप्ट की बात हम लोग करने वाले हैं भाई, ठीक है, और पूरे फोकस से, शांति से आप लोग को चीजें देखनी है, समझनी है। मैं बहुत ही मिनिमम स्पेस में आपकी खोपड़ी का मैक्सिमम स्पेस भरने वाला हूँ। बहुत मिनिमम स्पेस में आपकी खोपड़ी का मैक्सिमम स्पेस भर दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। चाहे आपकी खोपड़ी में स्पेस ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल ट्राई टू डू दैट। तो भाई, सबसे पहले जो चीज़ हमें समझनी है, और बहुत फनी वे में अपन चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें हैं ये। सबसे पहले है AMU की कहानी। हर किसी को प्रेम की कहानी सुननी है। उन सभी को हैप्पी होली जिनकी वाली किसी और की होली। ऐसा होता है ना, हमारी वाली किसी और की होली। तो भाई, किसी की भी अगर किसी और की होली तो उन सभी को हैप्पी होली। प्रेम कहानी के बजाय AMU की कहानी हमको समझनी है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत फोकस के साथ में समझना है। कुछ समय फोकस को सेट करने में लगाना है भाई। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछता हूं, लेट्स सी, मेरे पास में यहां पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्या आप मुझे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का मास बता सकते हैं? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का अगर मास नहीं बता सकते तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला तो बता सकते हैं भाई। ये जो अपने ब्रांड की मार्केटिंग करने आए ना, इनको ब्लॉक करो यहां से। इन लोगों को पैसे देके भेज दिया जाता है और ये फिर यहां पर आके ब्रांडिंग मार्केटिंग करते हैं। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला होता है O2। और अगर एक मॉलिक्यूल के मास की बात की जाए तो होता है 32 AMU। और 99% स्टूडेंट्स को, टीचर्स को अभी तक ये नहीं पता है
एएमयू क्या होता है। आप जी एस्पिरेंट है, नीट एस्पिरेंट है, जी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जी मेन की कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टे फोकस्ड 32 एएमयू। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एएमयू का मतलब क्या है, व्हाट इज एएमयू। हम लोग बोल रहे हैं कि हमने बोला 32 एएमयू। अच्छा, अगर मैं कहता हूं व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 10 kg, आप कहोगे 10 टाइम्स ऑफ केजी, यस और नो, यस और नो। इफ आई से 32 एएमयू तो उससे आप क्या समझते हैं, 32 टाइम्स ऑफ एएमयू, यस और नो। अब मुझे उससे पहले ये बताना है कि एएमयू का मतलब क्या होता है। देखिए, एएमयू का पूरा नाम है एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। और एएमयू कहां से आया समझो बाबू। अच्छा मुझे एक बताओ, एक एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, तो आप कहेंगे सब प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो लगभग नेग्लिजिबल होता है, जो मास काउंट होता है वो प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का ही होता है, यस और नो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है। ठीक है, पर जो चैटिंग वेटिंग कर रहे हो यहाँ पर, फोकस करके नोट्स बनाओ, फिर पीडीएफ मांगोगे, और पीडीएफ सब करे, पीडीएफ पढ़े ना कोई, जो हाथ से नोट्स लेके सिलेक्शन उसी का हो। यहाँ देखो एक बार, जब मैं एएमयू की बात कर रहा हूँ बाबू, तो एएमयू इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाई 2 होता है बबुआ। बाबू सोना रोना धोना जादू टोना सब फोकस करो, सन्नाटे सनसनी। मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन डिवाइड बाई 2। बाबू अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मास ऑफ प्रोटॉन 1.672 इंटू 10^2 क्या, 10^2 क्या, जल्दी से बताओ, 1.672 इंटू 10^2 क्या। अच्छा ये होता है 1.674 इंटू 10^2 क्या, ग्राम में पूछ रहा हूं, जल्दी से बताते चलो, जल्दी जल्दी से फटाफट से, ग्राम में, किलोग्राम में नहीं पूछ रहा हूं, 27 बोलते थप्पड़ मार दूंगा, बोलो 24, और इसका एवरेज निकालना है, तो 1.672 का और 1.674 का अगर आप एवरेज निकाल लोगे तो बाबू आपके पास में आ जाएगा, जल्दी बताओ, यहां तक सेम है, यहां तक सेम है, सेम सेम सेम, 4 और 2 का एवरेज निकालो, 4 × 2 = 6/2 होता है, येस और नो, तो एएमयू क्या होगा, सेम सेम सेम, 1.673 इंटू 10^-24 ग्राम, येस और नो। तो एएमयू का मतलब क्या है, इफ आई से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज 32 एएमयू, मतलब ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल एटॉमिक मास यूनिट जो है उससे 32 गुना भारी है। अब सर एटॉमिक मास यूनिट क्या है, तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन का एवरेज होता है बाबू। ठीक है, ये बात सब लोगों के दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। अगर मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सवाल पूछता हूँ, बहुत ही सिंपल सवाल पूछता हूँ, ज्यादा टफ नहीं पूछूं, फोकस करो, मान लो आपके पास में 1 किलो रसगुल्ला है, ओहो हो, होली की शुभकामनाएं सभी को, रसगुल्ला, और हर रस कॉपी को कोई गिली नहीं करेगा, लार से थप्पड़ मार दूंगा उसके वहीं पे,
अरे सर, लार गिर गई सर। हर रसगुल्ला 40 ग्राम का है, तो बताओ कितने रसगुल्ले हैं? तो बताओ कितने रसगुल्ले हैं? तो सर ये तो निकालना बेहद ही आसान है। हमने कैसे किया? मान लेते कि हमारे पास में रसगुल्लों का नंबर है n, मल्टीप्लाई मास ऑफ रसगुल्ला, n मल्टीप्लाई मास ऑफ इंडिविजुअल रसगुल्ला, ये बोलेंगे n नंबर है और मास ऑफ रसगुल्ला बराबर सर 1 किलो आपने बोला, तो 1000 ग्राम बोल दूं क्या सर? कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बोल सकते हैं बेटा, क्योंकि ग्राम में दिया हुआ है। तो n मल्टीप्लाई 40 इक्वल्स टू 1000, तो n की वैल्यू है ना, 1000 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो कितनी आएगी ना, 25 है। निकाल सकते हो, हर किसी की आ रही है। चाशनी भी तो है, चाशनी जोड़ के बताए तो थप्पड़ मार दूंगा मैं भी। चाशनी भी है, हाँ हाँ, चाशनी भी है, बड़ा रस ले रहा है ऐसे ही बाबू। अब देखना, अब देखना, ध्यान से सुनना एक बार, ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास में n पार्टिकल्स है, समझना n पार्टिकल्स है, कितने पार्टिकल्स है? n पार्टिकल्स, जिनका हरेक का मास amu के बराबर है और टोटल मास है 1 ग्राम। मेरे पास में जैसे यहां पर था n रसगुल्ले, मास 40 ग्राम और 1000 ग्राम। मेरे पास में n पार्टिकल है जिनका हरेक का मास है 1 amu के बराबर और टोटल मास कितना आ रहा है 1 ग्राम। तो n पार्टिकल का नंबर बता सकते हो, n पार्टिकल इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 1.673 × 10^-24 को जब सॉल्व करते हैं बाबू, तो आता है 6.023 × 10^-23। हे लेडीज टेक माई नंबर, आई एम अवगाध्रो। हे लेडीज टेक माई नंबर, इट्स 6.023 × 10^-23। तो कहां से आया बाबू? जब ये चेक किया गया कि 1 amu के पार्टिकल्स 1 ग्राम में कितने होंगे, तो यहां से हमारे पास में निकल के आता है 6.023 × 10^-23। अवगात्रो ने बात बोली, मैं नहीं कह रहा हूं, मेरे नंबर तो सबके पास में है। मुझे तो ये बात बोलनी ही नहीं चाहिए, मुझे शर्म आती है ये बात बोलते हुए कि मेरे नंबर सबके पास में है। तो यहां से बाबू हमने दो कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अवगात्रो पैदा नहीं हुआ था कि ईश्वर ने बोला अवगात्रो सुन, हाँ प्रभु बताओ, नीचे जाके बोल देना। दे हैव डिराइव्ड एवरीथिंग मैथमेटिकली एंड दैट इज वाई वी हैव एक्सेप्टेड दिस, वरना तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता। आपको मेरी बात समझ में आ रही बाबू? एएमयू की कहानी थी जहां से दो चीजें निकल के आती है। अगर ये दो चीजें आपको याद नहीं है तो आप रोड पे चलते हुए कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, जिसका अंतिम संस्कार भी मुश्किल है। माफ करिएगा दोस्तों, ऐसे घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं तो बहुत कॉन्सेप्चुअली चलने वाला हूं, अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स को डाइजेस्ट करने की क्षमता है तो पढ़िए, नहीं है तो डाइजीन दे दीजिए। आगे चलते, मोल कैसे निकालते हैं? मोल बाबू, हम मोल निकालने का तरीका देखेंगे, फिर मोल मोल एनालिसिस की बात करेंगे, जहां से हमें कुछ डीप कॉन्सेप्ट पता लगेंगे। और आज मैं तो बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं, समरी नोट्स बना लो भाई, कंटेंट बना लो, कंटेंट वाले आ गए। मोल निकालने के हमारे पास में बेसिकली 4-5 फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, उनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले। देखो मोल कैसे निकालते हैं, फोकस करना विद एग्जांपल, साथ साथ में पैरेलली करते चलेंगे यहां पर, और फिर लास्ट में एक बेसिक
बहुत फेमस ही फॉर्मूला और इक्वेशन की बात हम करें। नीट काका जी, नीट और जेई की तैयारी में आपका सच्चा साथी, सैल्यूट। मोल फॉर्मूलाज, पंच परमेश्वर फॉर्मूलाज होते हैं बाबू ये, अगर ये आपको नहीं आते तो आपको थप्पड़ पड़ सकती है। तो मोल निकालने का सबसे जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो होता है मोल इक्वल्स टू वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास, मम मॉलिकुलर मास, मम। ठीक है भाई, मैं बिल्कुल हद बेसिक से लेके चल रहा हूँ, ग्यारहवीं क्लास का टावर भी समझ सकता है, और नहीं समझ में आ रहा तो ग्यारहवीं का टावर नहीं है वो, आठवीं का टावर है दिमागी रूप से, उसे भेज दिया है कोविड में पास करके। यहां पर हम कुछ कैलकुलेशन पैरेलली चलते रहेंगे, कैलकुलेशंस, और पूरा चैप्टर होगा आज ही इसी रात, जब तक कोई चुड़ैल यहां ना आ जाए। इसी रात तुम सो गए तो तुम्हारी छाती पे चुड़ैल नाचेगी, मुझे बना मत करना, फिर कहोगे सर ने हमें क्या बोला, डर लग रहा है कमरे में, मैं जिम्मेदार नहीं हूं उसके लिए। बहुत ही सिंपल सवाल है बेटा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 49 ग्राम H2SO4 है, इसी से कनेक्टेड सवाल करवा दे रहा हूँ, 49 ग्राम H2SO4 है तो मोल बताओ, तो वेट इन ग्राम दिया हुआ है डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास कितना होता है, 98 ग्राम पर मोल, यस और नो, होता है कि नहीं होता है। मैंने चुड़ैल और डायन का नाम इसलिए लिया था कि आपकी सोने की संभावनाएं खत्म हो जाए, कई लोग उनके सो जाएंगे, सेंटा क्लॉज जाएंगे, थप्पड़ मारो चुड़ैल आएगी और तुम्हें नोच लेगी, छाती पे नाचे। क्या आप यहां से देखो, ग्राम से ग्राम कैंसिल, मोल कहां गया ऊपर, अरे बोल मोल कहां गया ऊपर, 49.98 कितना मोल बाबू, जल्दी आंसर बोल, आधा मोल, पहला फॉर्मूला। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला हमारे पास में है वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है ना, क्या आपको वॉल्यूम दिया हो किसी भी गैस का, है ना। चलो पहले पार्टिकल्स की बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स में कुछ भी हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मॉलिक्यूल वॉलिक्यूल सब, डिवाइड बाय अवगार, हे लेडीज टेक माय नंबर, 6.023 × 10⁻²³। नॉर्मल लैंग्वेज में 023 को काउंट नहीं करते, फेंक देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हें तुम्हारे घर वाले समझते नहीं ना कुछ भी, वैसे इनको भी कुछ नहीं समझना, तुम्हारे पेरेंट्स कुछ नहीं समझते। मान लो मेरे पास में, इफ आई सी समथिंग इन यू बट आई डोंट नो व्हाट इट इज, इफ आई हैव 3 × 10⁻²³ CO2 मॉलिक्यूल, क्या आप मुझे मोल बता सकते हैं? क्या आप मुझे मोल बता सकते हैं? अगर किसी ने इसका जवाब नहीं निकाला तो उसकी जेब में से लाल नींबू निकलेगा, वो मैंने ही भेजा है क्योंकि मैं काला जादू कर रहा हूं। डिवाइड कर दिया, जो अवगाद्रोज नंबर होते हैं, नंबर ऑफ अवगाद्रो, हटा सावन की घटा, हाफ। फर्स्ट तरीका, सेकंड तरीका, दोनों तरीके क्लियर हैं, आगे चलू क्या? आप है ना, बहुत सिंपल सिंपल चीजें, क्योंकि धीरे टफ होगा मामला, पहले सिंपल सिंपल है ना बेटा, दूध मलाई वाली टॉफी ले लो, है ना, टॉफी ले लो, टॉफी ले, फिर एकदम से सुई लगा देंगे, होगा थोड़ी देर में। या देखो, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका था एन, और कोई तरीका, यस, एन इक्वल्स टू पीवी अपॉन आरटी, आइडियल गैस इक्वेशन होती है पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो मोल्स को आप लिख सकते हैं पीवी अपॉन आरटी, पीवी अपॉन आरटी। तो मान लीजिए अगर आपके पास में प्रेशर दिया हुआ है यहां पर
लेट्स सी 1 ATM का प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है 22.4 liters, गैस कांस्टेंट तो फिक्स होता है 1/12 है ना, 0.0821 1/12 लिखते हैं इसको, मल्टीप्लाई टेम्परेचर दिया हुआ है 273 केल्विन। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं ना तो आपके पास मोल एक आएगा। इसका मतलब क्या है, एक मोल का 1 ATM प्रेशर पर, ध्यान से सुन लेना अभी मात खा जाओगे, 1 ATM प्रेशर पर और 273 टेम्परेचर पर कितना वॉल्यूम होता है, 22.4। वापस बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, एक मोल गैस का 1 ATM प्रेशर पर और 273 टेम्परेचर पर जो केल्विन में दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना होता है, 22.4। और यही मोल निकालने का एक और तरीका है मेरे साबुदाना, एन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर डिवाइड बाय 22.4 liter। देख रहा मामला एकदम से सीरियस हो जाएगा इस चैप्टर का। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में 5.6 liter ऑक्सीजन है, 5.6 liter ऑक्सीजन है, तो उसके मोल निकाल सकते हैं क्या, हाँ 22.4 liter होता है पर मोल, यहां से सॉल्व कर सकते हो, लीटर से लीटर कैंसिल, मोल आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे 1/4। कितने फॉर्मूला होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 तरीके होते हैं मोल्स को फाइंड आउट करने के, बेसिक 5, हालांकि बहुत हो सकते हैं बट बेसिक 5, 10-12 भी हो सकते हैं, बेसिक 5। सर होली मनाएं या एग्जाम की तैयारी करें, गोली बनाओ। देखो ऐसा होता है होली में, कोई आपको लोग बाग रंग डाल देंगे, बुरा ना मानो होली है, दिवाली पे आप बम फेंक देना, बुरा ना मानो दिवाली, ये सब चलता रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ध्यान से सुनना, सर मोल इक्वल्स टू होता है एम मल्टीप्लाई वी, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, या एम क्या है, मोलेरिटी, जो क्या होती है मोलेरिटी, मोलेरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। देखो मोलिटी क्या होती है, मोल पर लीटर मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर, तो लीटर से लीटर बन गया थिएटर, है ना, वॉल्यूम वॉल्यूम भी गया, लीटर से लीटर गया, तो मोल पर लीटर मल्टीप्लाई लीटर क्या बचेगा, सिर्फ मोल ही बचेगा, है ना, एम मल्टीप्लाई वी। और यहीं से फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला ऑफ डाइल्यूशन कि M1V1 इक्वल्स टू M2V2, जब भी आप ये लिखते हो उसका मतलब लेफ्ट साइड मोल को राइट साइड के मोल्स के बराबर कर रहे हो। क्या तुम मुझे याद कर रहे हो, मुझे मत करो इसे याद करो। ओके लुक इट हियर, क्या पांचों फॉर्मूला क्लियर है, MV MV। मान लो मेरे पास में बाबू, तो ना ध्यान से सुन लो ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबू, N इक्वल्स टू, मैंने बोला M मल्टीप्लाई V, अगर V ml में हो तो N इक्वल्स टू, ये क्या होता है, मोल पर लीटर ही होती है, लेकिन ये ml में है, मतलब मिली लीटर, ठीक है ना, तो मिली लीटर रहेगा, लीटर से लीटर गया, क्या बच जाएगा मिली, तो एन क्या आएंगे आपके पास में, मिली मोल, मिली की नहीं मिली। भाई और बहनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी के राज में क्या हर एक के घर में उज्ज्वला योजना के तहत गैस मिली कि नहीं मिली, मैं नाली से भी निकाला था, अगर नहीं मिलती तो मैं नाली से निकाल के पूरे देश में सप्लाई कर देता भाइयों बहनों, इसलिए यहां देखो आपको पता होना चाहिए कि देश में जो हो रहा है वो NDA का ही कारनामा है, कमाल है, जो बढ़िया होता है वो हम ही करते हैं। मिली मोल आगे पैरे बच्चों, ठीक है ना, N इक्वल्स टू मिली मोल, अगर वॉल्यूम ml में दिया हुआ है मित्रों तो आपको मालूम होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास कहीं समय से कर रही है।
बहुत सिंपल सिंपल चीजें बता दी है, इतना क्लियर है क्या सब लोगों को? तो मैं आगे चलूं, अब मैं काम की बात पे आ जाऊं, ये तो सबको पता है भाई। नहीं मिली, मिलेगी भी नहीं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्यारे बच्चों, जो अपने ध्यान से समझनी है, दैट इज मोल मोल एनालिसिस। मैंने कहा था कि जब मैं चैप्टर शुरू करवाऊंगा तो एक एक बच्चे के दिमाग में भर दूंगा। तो बच्चे में दिमाग नहीं हो, मुझे इस बात से रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेलोनी और मोल में एम सेम है भाई बहनों। यहां देखो, मोल मोल एनालिसिस की बात हम लोग करेंगे। अच्छा मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, फटाफट से फटाफट फटाफट एक सवाल लिखो। ग्यारह ग्राम CO2 में, एक सवाल लिख लो तुम लोग, मैं चाटा मार दूंगा। मैं अभी एक सवाल पूछ लेता हूं पहले। ग्यारह ग्राम CO2 में एटम्स का नंबर बताओ, एटम्स कितने हैं? ग्यारह ग्राम CO2 में एटम्स का नंबर मैं सॉल्व कर देता हूं, तुम तो सब एटम बॉम्ब हो ना, तो पहले मोल्स निकाल लेंगे। अरे जोर से बोल। तो भाई बहनों 11/44, तो यहां से मुझे मिलता है 1/4 मोल। और जैसे हम लोग कहते हैं कि जैसे, ध्यान से सुनो एक बार, अगर मेरे पास में एक डजन है, इफ आई से वन डजन, ध्यान से सुनना एक बार, इफ आई से वन डजन, एक दर्जन है मेरे पास में, इफ आई से मेरे पास में एक दर्जन है, वन डजन। भैया यहां देखो, मोल में मजा आया, ये मजा मैं सबको देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ही करती। वन डजन में 12 होते हैं, होते कि नहीं होते? ऐसे ही एक मोल में एन ए पार्टिकल्स होते, और एन ए का नंबर होता है 6.023×10^23। तो मेरे पास में, मैंने पूछा एटम्स, ध्यान से सुना, थप्पड़ मार दूंगा मैं, पहले तो मॉलिक्यूल्स निकालो, मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? तो सर 1/4 × NA, तो 1/4 × NA, तो NA/4 हो गए। लेकिन आप तो एटम्स पूछे, हर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? 3, तो 3/4 NA भाई बहनों, 3/4 काम हो चुका है, 1/4 2047 तक होगा भाई बहनों। थ्री बाई फोर बेटा, यही तो सवाल है, मैंने एटम्स पूछे हैं बेटा, मॉलिक्यूल पूछता तो तेरा उत्तर बिल्कुल सही था। अरे यार मैं तेरे चाटा मार दूंगा यार। ये जे एडवांस का सवाल है, बताए, ये तो तू मात खा गया। हैप्पी होली, माथे में खाओगे गोली। यहां देखो तुम लोग, क्या 3/4 NA आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ये आपके आधार से लिंक अकाउंट तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है भाई बहनों? मैं जानना चाहता हूं। और नहीं पहुंच रहा है तो जवाहरलाल नेहरू ने किया है। यहां देखो एक बार, मोल मोल एनालिसिस, इतना इतना क्लियर है ना आप लोगों को? 3/4 NA, एक बार फिर से समझा दूं, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, इट्स ओके इट्स ओके बाबू सोना, जादू टोना, रोना धोना। यहां देखो एक और सवाल ले लेते ना, यहां से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और सवाल लेते, मान लो तुम्हारे पास में 17 ग्राम NH3 है, 17 ग्राम NH3, मोल निकालो। तो सर 14 × 3 = 17, मास भी ये होता है, वेट भी इतना ही दिया हुआ, तो एक मोल आ गया। मॉलिक्यूल्स निकालो। अरे सर जब मोल पता है, एक दर्जन में 12 होते हैं, एक मोल में कितने होते हैं? 6.023×10^23। तो सर मॉलिक्यूल ये हैं, तो एटम्स पूछे हैं आपने, एटम्स कितने? 1, 2, 3, 4 है, 4 × 6.023×10^23 बाबू, इसको एन ए भी बोल सकते, 4 × NA। यस
मैं आगे चल रहा हूँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं आज हम लोग, दैट इज नॉन एज मोल मोल एनालिसिस। प्यारे बच्चों, जैसे कि कोई रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट है और उससे बनता है प्रोडक्ट। भाई बहनों ध्यान से सुनिए, देश बदल रहा है, टॉपिक बदल रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। ध्यान से सुनना, देश विश्व पटल पर अपनी पहचान बना रहा है, फोकस करो। मान लेते हैं इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है x1 और इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है x2, तो मोल्स ऑफ r, क्योंकि वो रिएक्टेंट इसलिए r लिखा है इसको, है ना, इसका नाम रामू नहीं है। मोल ऑफ r डिवाइड बाय ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है sc इक्वल्स टू मोल्स ऑफ p डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट x2 इक्वल होते हैं। अभी इसकी बहुत तगड़ी इंपॉर्टेंस आएगी ना, तुम्हारा माता खराब हो जाएगा। यहीं से स्टार्ट होता है सब कुछ जो तुम जानना चाहते हो इसके बारे में। मोल ऑफ पी डिवाइड बाय x1 इक्वल टू मोल ऑफ आर, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली इक्वेशन इतनी सिंपल नहीं होती बाबू, ध्यान से सुनना। देख मैं बहुत बड़ा कारनामा करने वाला हूं, तू मात खा जाएगा, फिर मेरे को बोलेगा कि सर आपने क्या कर दिया एकदम से। फोकस, ठीक है ना। M1 A, क्योंकि रिएक्शन में एटलीस्ट दो रीजन तो मिक्स होते हैं ना यार, ये सर कौन सी रिएक्शन होती है ऐसी, अकेला ही आपस में कर रहा है रिएक्ट। M2 B कन्वर्ट, अब मैं सवाल कर रहा हूँ, क्वेश्चन करेंगे। N1 C प्लस N2 D, इसके लिए लिख दो मोल मोल एनालिसिस। तो मोल्स ऑफ A, ध्यान रखना, डिवाइड बाई M, बहुत तगड़ा इंपॉर्टेंस है भाई इसका, ये सिर्फ इक्वेशन नहीं है, बहुत भारी चीज है। मोल्स ऑफ बी बटा m2 एंड यस एवरीवन, हमारे स्कूल में मैडम ऐसे ही बोलते थे, हैव यू नॉट डन योर होमवर्क स्टिल, नेल्स नहीं काटे आपने। अरे मैडम नेल्स क्या, उन्हें दांत ही साफ नहीं करे अभी तक। मोल्स ऑफ डी ना भाई, मोल्स ऑफ डी बटा एंड। नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग। कई लोग अभी इनकी आंखें जगी है, खुली है। अब देखो, यहां देखो, ध्यान से सुनना, ये दोनों ही रिएजेंट है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, फोकस करना। मान लो मोल्स ऑफ ए डिवाइड बाय m1 और मोल्स ऑफ बी, अगर कोई रिएक्शन नॉर्मली हो रही तो ये सब होगा, डिवाइड बाय m2, मान लो ये ज्यादा है, ये ज्यादा है और ये कम है, जो कम होता है उस रिएजेंट को बोलते हैं LR, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट, यानी कि सीमांत अभिकारक। लिमिटिंग रिएजेंट यानी कि सीमांत अभिकारक, और जिसमें मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो ज्यादा है उसको बोलते हैं ER। और ये सुपर कॉन्सेप्ट है, इससे PYQs बहुत सारे सवाल हैं, आगे भी आएंगे। ER यानी कि एक्सेस रिएजेंट। नॉर्मली जब कोई रिएक्शन होती है तो ये सब सेम होता है ना, इससे आप चेक कर सकते हो। और लिमिटिंग रिएजेंट मतलब जो कम पड़ गया, अभी समझाऊंगा इसके बारे में, जो कम पड़ गया यही प्रोडक्ट के मोल डिसाइड करता है मित्रों, प्रोडक्ट के मोल डिसाइड करता है। और ये सुपर कॉन्सेप्ट हुआ है, अभी मैं इसको और समझाऊंगा, फिर सवाल कराऊंगा, ध्यान से समझते जाओ। आजकल की परीक्षाओं में
आजकल की परीक्षाओं में मोल को, भाई बहनों यहां देखो, सोनिया गांधी देश को बर्बाद कर रही है। यहां देखो, मोल को ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल भी लिखा जाता है। इस कीवर्ड को पकड़ लेना भाई, मतलब लिख लेना कॉपी में, मैं पकड़ने बैठ जाओ, इसको पकड़ लेता हूँ यहाँ से। मोल को ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल भी लिखा जाता है आजकल की परीक्षाओं में। वन ग्राम एटम मतलब वन मोल, वन ग्राम मॉलिक्यूल मतलब वन मोल, ठीक है। ये चीज आपके चीज दिमाग में सेट होनी चाहिए। इतना सबको क्लियर है क्या? अब अपन क्वेश्चन वाली फेज में घुस रहे हैं भाई, अपने को क्वेश्चन करने हैं। क्या तैयार हो क्या सब लोग? ये अम मत करो यहां पे, हाँ या ना? बंदूक की नोक पे बात चलती इधर। सर आपकी खुद की आवाज बहुत अच्छी, उसी में बोलिए ना प्लीज। नहीं बोलूंगा। ऑल राइट, ओके। अगर मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ज्यादा है किसी के लिए तो ER हो जाएगा, जिसके लिए कम है वो LR हो जाएगा। LR बोले तो लिमिटिंग रिएजेंट। अब ध्यान से समझना एक बार। ओहो, मैंने तो ये गड़बड़ कर दी, स्लाइड को डिलीट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में हमने कुछ पंगा किया हुआ है। यहाँ देखो, लिमिटिंग रिएजेंट ऊपर कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे सवाल इस कॉन्सेप्ट से एग्जाम में आते हैं। ध्यान से ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव ए कार, मेरे पास में कार है। नए भारत में सबको मोदी सरकार ने कार दी है, भाई बहनों कार दी है, दिखती नहीं है लेकिन दी है। फॉर एग्जाम्पल एक कह रहा है मारवाड़ी में बोली, मैं थप्पड़ मार दूंगा, मैं केमिस्ट्री पढ़ाने आया हूँ यहाँ पे, मारवाड़ी में बोली। कार को बनाने के लिए बाबू बहुत सारी चीज़ें चाहिए, लेकिन मैं कुछ चीज़ों पर फोकस कर रहा हूँ। ढांचा मतलब उसका स्केलेटन या स्ट्रक्चर, ढांचा स्केलेटन, स्केलेटन अंग्रेजी में लिख देता हूँ कि लोग यहाँ पे क्या होता है ढांचा, स्केलेटन, स्केलेटन, ओहो खतरनाक। प्लस टायर, इससे बनती है कार। स्केलेटन तो एक ही चाहिए, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया वन, और टायर चाहिए कितने, चार, तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया, चार। नीचे गिर गया, गिरे हुए लोग। मान लो मेरे पास में, फोकस करना, 15 स्केलेटन है और टायर ज्यादा है, टायर 40 है, तो बताओ किसकी वजह से कार मैन्युफैक्चरिंग रुक सकती है, किसकी वजह से कार मैन्युफैक्चरिंग रुक सकती है। एक पूछ रहा है वेयर आर यू फ्रॉम, सर अपने घर से हूं भाई। चालीस टायर हैं, कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, क्या करेंगे भाई? स्केलेटन तो एक ही चाहिए कार को बनाने के लिए, तो डिवाइड बाय वन किया, डिवाइड बाय चार किया, यहां पे 15 ही आया, यहां पर कितना आया 10, 10 ज्यादा है तो ये क्या हो गया, ER, ER बोले तो एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। और जो कम है वो हो गया LR, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग
अरे भाइयों बहनों, क्या चमका कि नहीं चमका? भाई बहनों, चमका कि नहीं चमका? अगर नहीं चमका तो मैं सर्फ एक्सेल लेके आऊंगा भाई बहनों, लेकिन चमका के मानूंगा। हाँ तो कम से कम 60 टायर चाहिए थे, 40 ही है तो मामला कम पड़ गया। बात समझ में आ रही है? देखो कैलकुलेशन, देखो कैलकुलेट कैसे करते हैं, पूरे फोकस से सुनना। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? कैलकुलेशन कैलकुलेशन कैलकुलेशन। देखो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बता दी, एलआर जो पहले निपट जाए, दूध सी सफेदी निर्मा से आए, एलआर वही जो पहले निपट जाए, पहले निपट जाए। निकालते कैसे हैं? तो मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये तरीका है, ये तरीका है। जिसके लिए जैसे मान लो आपने दो चीज के लिए किया, एक मोल ए डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक, मोल बी डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक, जो ज्यादा है, जो ज्यादा है वो ईआर होगा, जो कम है वो एलआर होगा। अभी कई सवाल कराऊंगा इसके ऊपर आपसे। जो लोग यहां पंचायती कर रहे हैं और जिनको कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं, उनको ब्लॉक करके भगा दिया जाए यहां से। ऐसे बेवकूफों से बात करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। चलो यहां देखो, सभी लोग अच्छे हैं वैसे तो, कुछ गधे भी हैं यार। मुझे एक ऑस्टवल्ड प्रोसेस होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ऑस्टवल्ड प्रोसेस का इस्तेमाल किसके मैन्युफैक्चरिंग में होता है? एनीवन? ऑस्टवल्ड प्रोसेस एक पूछ रहा है, अजमेर में पढ़ाएंगे कि कोटा में? दोनों जगह। ऑस्टवल्ड्स प्रोसेस जिससे हम क्या बनाते हैं? एच एन ओ सी, ठीक है। रिएक्शन होती है, देखो एनएच थ्री के साथ में ओ टू की रिएक्शन होती है, एन ओ रेस्टो बनता है, एनएच थ्री प्लस ओ टू उससे बनता है एन ओ और एच टू बैलेंस जब करते हैं तो 45-46 ध्यान रखना है, रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है। ये रिएक्शन है। अब यहां से सवाल चल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्टेक्ट प्रोसेस से बनाते हैं, मैं थप्पड़ मार दूंगा तुम्हारे, फेंक के यहीं से चुड़े लाएगी तुम्हारे सपने में, देखो कहीं के। मान लो किसी रिएक्शन में 2 मोल इसके लिए और 2 ही मोल इसके लिए, बताओ कौन ई आर है कौन एल आर है? ई आर और एल आर बताओ। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो सामने दिया हुआ है, सबकी पसंद निरमा। मिस लिली, तुम मुझे मिली लेकिन बात कर दी तुमने बिल्कुल सिली, और मैंने अपनी टीम को बोल दिया है। चलो बढ़िया हुआ आपके मैसेज को हटा दिया गया। हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 4 करेंगे, डिवाइड बाय 5 करेंगे। अगर ये डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 1/2। ये डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 2/5। 1/2 का मतलब कितना होता है? 0.5। 2/5 का मतलब कितना होता है? 0.4। तो बाबू ज्यादा कौन है? 0.5। तो बाबू जो ज्यादा है ना वही सोना है, यानी कि जो ज्यादा है वो कौन है? ई आर, और जो कम है वो कौन है? एल आर। तो एल आर ही प्रोडक्ट के मोल डिसाइड करेगा।
ठीक है, अब कुछ सवाल कर लेते हैं। हाँ जी, ए जी ओ जी सुनो जी करो जी। इस पटना बिरयानी को ब्लॉक करो यहाँ से, दे आर जस्ट हियर टू पास द टाइम। जिंदगी में भाई टाइम पास हमने किया नहीं है, ना सामने वाले से उम्मीद करते हैं वो टाइम पास करे। देखो भाई 4A2B3C, ए का एक मोल लिया है तो क्या करेंगे, 1/4 चेक कर लेंगे कितना आ रहा है, 0.25। बी का 0.1 के लिए, बी का कितना लिया है, 0.6 मोल डिवाइड बाय 2 कर लेंगे कितना आ रहा है, 0.30। सी का कितना लिया है, 0.72 डिवाइड बाय 3 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 0.24, दिस इज मिनिमम। और जो मिनिमम है वो ही नंबर ऑफ मोल्स को डिसाइड करेगा, यही एलआर है, यही प्रोडक्ट के मोल डिसाइड करेगा। अभी सुनते जाना ध्यान से, तो हम सी को पकड़ लेंगे कैसे, मोल्स ऑफ सी डिवाइड बाय एस सी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो भी है, A4B2C3 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1, देख रहे ना, वहां 1 ही है कुछ नहीं है। और तो मोल्स ऑफ सी कितने हैं भाई, 0.72 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 इक्वल्स टू x/1, x की वैल्यू निकाल दो 0.24। चमक रहा है कि धुंधला हो गया है, चमक रहा है, नहीं चमक रहा तो घड़ी डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। कौन से नंबर का सवाल कर रहा हूं, 61 करा रहा हूं, 61 करा दो क्या, 61, वेयर आर यू, आई एम सर्चिंग फॉर यू, कहाँ हो तुम, कितने मैसेज किए तुम्हें, दिखे नहीं तुम, क्यों नहीं मिले तुम मुझे पहले, इतनी तलाश की तुम्हारी, करो भाई। जी मैं पूछा हुआ 2022 में वेट दिया हुआ है, पहले मोल निकाल लेना, थप्पड़ मार दूंगा ना, 20 ग्राम है, 5 ग्राम इसके हैं, वेट दिया हुआ है, मोल नहीं दिए हुए, डायरेक्ट डिवाइड करते चाटा पड़ जाएगा, इसके पहले निकाल लेना, 20 ग्राम बटा N2 का मास 28 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है ना, ये आएंगे मोल, तो 20 बटा 28 तो मोल आ गए, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है N2 1, ठीक है ना। H2 के लिए, ये तो N2 के लिए आ गया, और H2 के लिए, H2 के लिए चेक कर लो, 5 ग्राम H2 का मास 2 ग्राम पर मोल कितना आ गया, 5/2 यार H2 के लिए, तो कम कौन है, LR है, ये ज्यादा है, ये कौन है, ER है। ओहो हो हो हो, सरपंच साहब तो चल दिए, अब कौन संभालो काम की जिम्मेदारी, पहले देख लो एक बार, 5 ग्राम बटा, ध्यान से सुनो, 2 ग्राम पर मोल, ये तो आ गए मोल,
ये तो आ गए मोल, कितने मोल, 2.5 मोल, डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3, कितना हो गया 2.5 डिवाइड बाय 3, और ये कितना है, इसके लिए कितना है, 20/28, चेक कर लो भाई खुद ही। लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, कौन है लिमिटिंग रिएजेंट, 20/28 को सॉल्व कर सकते हैं क्या, 3/4 आएगा, 0.75, इसको 21 मान लिया मैंने, 20 को 21 मान लिया, 3/4 आएगा, 25/3 कितना आएगा, 5/6 है ना, 5 से 25 और 30, 5/6, और ये आएगा 0.8 के आसपास। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी पड़ेगी भाई अपने को, एग्जैक्ट कैलकुलेशन। तो ये हमारे पास में वैसे भी आएगा ER, ये आ गया ER, और ये आएगा LR, जो लिखा था पहले वही सही है। LR पूछा है, LR कौन हो गया, N2, और मोल्स कितने बनेंगे, आंसर LR, ध्यान से सुन लो, अगला साल इजी है, घबराओ मत, आधे तो भी सरेंडर कर देंगे, मैं अपलोड किया हुआ निकल गए। देखो LR कौन हुआ, N2, क्या करेंगे, मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NH3, क्योंकि यही हमारे पास में LR है, डिवाइड बाय स्टेक 2, कितने हैं इसके मोल्स, मोल्स कितने हैं, 20/28 × 1 इक्वल्स टू मोल्स ऑफ NH3, एक्स मान लेते हैं, डिवाइड बाय 2, वन एक्स को सॉल्व कर सकते हैं, वन कहाँ से है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है किसका, N2 का, ठीक है ना, एक्स इक्वल्स टू 40/28, डिवाइड करके चेक करेंगे इसको एक बार में, 20/14, 10/7, 1.4 के आसपास। जिंदगी की तलाश में हम मौत के इतने पास आ गए। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, कड़क सवाल आ रहा है क्या, सब लोग एक्साइटेड है, जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में बता दो, तोड़ दो, फोकस करो एक बार, है ना, यहां देखिए भाई, यहां 61 के बाद 65 ही कर लेते हैं, बाद में फिर घूमना पड़ेगा, इतना दूर आना पड़ेगा, फिर जेई का सवाल है भाई, आइडेंटिफाई डाइहाइड्रोजन, देखो ये रिएक्शन दी हुई, समझ लो एक बार, एक रिएक्शन दी हुई है, ठीक है ना, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से किस प्रोपोर्शन में हाइड्रोजन LR होगा, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट होगा, ठीक है ना, चेक करना है भाई। तो पहले वाले में देखो क्या करोगे, 28/28 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, कितना आएगा, 1 ही आएगा, H2 के लिए चेक करो, डिवाइड बाय 2 × 3, है ना, यहां देख लो, आराम से देख लो, आराम से 6 ग्राम है, डिवाइड बाय 2 g/mol, ठीक है ना, मोल कितने आ गए, 3 मोल, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करो, मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, 3 मोल/3 कितना आया, 1, दोनों बराबर है कि नहीं है, 1 = 1 है कि नहीं है, पहले में, पहले में कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, नो वन, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है,
कुछ लोग सी कह रहे हैं, चेक कर लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। 56 ग्राम डिवाइड बाई 28 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है इसका, कितना आएगा भाई? 2। 10 डिवाइड बाई 2, मोल कितने आ गए? 5। डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 5/3, 1.7। तो 2 ज़्यादा हो गया भाई, बिल्कुल एलआर हो जाएगा। टू इज मोर देन 5/3, तो कम पड़ गया। इसमें चेक कर लेते ना एक बार, कहाँ दिक्कत है? मैं तो आपके साथ में सॉल्व कर रहा हूँ भाई, मेरे को तो पता ही नहीं कैसे क्या सॉल्व होना है ये। यहाँ देखो, वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास मल्टीप्लाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? 1/2। यहाँ देखो, वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास मल्टीप्लाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4/6, 2/3, कौन ज्यादा है? हाँ, यहाँ पर 1/2 और 2/3 आया है, तो ये इसमें तो ER है हाइड्रोजन। मुझे वो रिएक्शन निकालनी जहां पे वो LR हो, तो इसमें निकल रहा है। भाग गए क्वेश्चन कराते, बदतमीज लोग, हमारी हिम्मत ही नहीं है टिकने की। क्या जो अभी तक पढ़ा है वो सबको समझ में आया क्या? आजकल तो वैसे भी सब लोग रील्स बना ही रहे हैं, सारे टीचर्स वे हानिया है, दिल जानिया, बच्चों को भ्रमित करते हैं, बच्चे पहले से भ्रमित हो रखे हैं। अरे लिख के बताओ समझ में आएगा तो आगे बढ़ाऊंगा। वाई नॉट डी? आई विल सॉल्व फॉर यू, ओनली फॉर यू, जस्ट फोकस हियर। बाबू देख, 35 ग्राम है बटा 28 ग्राम, देख 5/4 0.8, ठीक है ना। H2 के लिए देख 8 ग्राम बटा 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है ना, कितना है? 8/6 यानी कि 4/3 यानी कि 0.75। ओ माई गॉड, ओ नो, अरे 4/3, 3/4 अंतर होता है दोनों में, गधों, कितना आएगा? 1.33। तो क्या हो गया यहां पर भी? ER। मुझे कहां ढूंढना है जो LR हो, ELR हो, यहां पर भी क्या है? ER। आंसर वा सीवा अंगड़ा कनड़ा जंगड़ा, सिंपल वाला सवाल करें निक दिक्षा था। 61-65 हो गया है, आगे चलते हैं। शिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, चलो भाई, गीला नहीं है सूखा है, वही बात मैं कर रहा था। सर आई एम पार्ट ऑफ OTTs, तो वेलकम ओवर हियर, दिस इज द केमिस्ट्री क्लास एंड केमिस्ट्री इज़ वेरी बोरिंग, तो मुझे ये सब हरकतें करनी पड़ती है, इसके वजह से मैं पागल महसूस होता हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं, क्षमा करिएगा। प्यारे बच्चों, बर्तन है स्टील का, हो चाय पीने का, धमाके कर रहे हैं उसमें। H2 और हाफ O2 मिलकर प्यारे बच्चों H2O का फॉर्मेशन करती है। बहुत बढ़िया, ये तो हमको सिखाया मास्टर जी ने। कुछ पी लेता हूं। किसी के मैसेज डिलीट मत करो, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे ब्लॉक हो रखे हैं, यही अपने दिल की बात बोलते हैं, बोलने दो, है कि नहीं भाई? प्यारे बच्चों, 10 ग्राम है, 64 ग्राम है, पहले तो मोलवा सुन मितवा, ओ मितवा तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है अपना अंबर है रे, ओ मितवा सुन मितवा तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है
अपना अंबर है रे। पांच यहां पर आया, और मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, दो बटा आधा डिवाइड कर ऊपर जाकर चार हो जाएगा। ज्यादा कौन है कम कौन है? जो कम है वो चार है, पांच ज्यादा है, तो ये कौन हो गया एल आर। नाउ इट विल डिसाइड द वॉटर प्रोड्यूस्ड। अरे मोल कॉन्सेप्ट टॉपिक ही ऐसा है ना, तो मुझे ऐसा करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। मैं तुम्हें रो दोगे नहीं आ रहा आज भी नहीं आ रहा मैं, हमको तो कभी नहीं आता है ना। मोल्स ऑफ ओ टू डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इक्वल्स टू वाटर का देखो वन ही है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है ना। मोल्स ऑफ एच टू ओ डिवाइड बाई वन, मोल्स ऑफ ओ टू कितने भाई? दो है, 64/32, ठीक है ना। ठीक है ना, 64 डिवाइड बाई 32 मोल्स आ गए। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है? हाफ, मतलब ऊपर चला जाएगा वो। मोल्स निकालने वन कितना आ जाएगा? घटा सा वन की घटा चार, सर आप बहुत सॉन्ग गा रहे हैं, पेरेंट्स बैठे हैं साइड में, तो मैं क्या करूं भाई, मेरे पेरेंट्स बैठे हैं साइड में खुश हो रहे हैं और बच्चा मस्त क्लास ले रहा है। पेरेंट्स की टेंशन में ही करूं तो पर मार दूंगा एक, पेरेंट्स बैठे हैं साइड में, हमारी जिम्मेदारी है सबकी। घर में खाना हम पहुंचाएं, पानी हम पहुंचाएं, दारू भी हमें पहुंचाएं, ये कौन सी बात है? इसलिए सरकार बनाई तुम लोगों ने क्या? ये समझ में आ गया कि प्यारे बच्चों तक हमने दो चीजें डिस्कस की है, एक ये और एक ये, क्या इतना क्लियर है क्या सब लोगों को? अब मैं बहुत बड़े कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ने जा रहा हूं, जो सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, मतलब उससे पावरफुल कुछ भी नहीं है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस। क्या रेडी हो सब लोग? भाई देखो ऐसा है, टीचिंग इज नॉट एन इजी प्रोफेशन। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार सर तो बहुत आराम, मोल कॉन्सेप्ट आपको पता है टफ चैप्टर है, और लोग कितना बोरिंग पढ़ाते हैं मुझे पता है, बच्चों को आज तक नहीं आई भी मुझे पता है। आई हैव टू बी क्रिएटिव, आई हैव टू बी मोर कंस्ट्रक्टिव, एंड इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, बट इट इज एफर्टलेस फॉर मी। आदत है हमारी प्रभु, आदत है। इक्विवेलेंट तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, चाहे भी तो कभी मुस्कुरा ना सकेंगे। इक्विवेलेंस, जैसे अपने मोल की बात करी वैसे हम इक्विवेलेंस की बात करने वाले, और ये सुपर कॉन्सेप्ट है। क्या सब लोग तैयार हैं पूरे फोकस के साथ में? देखो इक्विवेलेंट का मतलब होता है, लेट मी रिमूव दिस नॉनसेंस। इक्विवेलेंट यानी होता है वन, वन यानी कि यूनिट, यानी कि एक। अच्छा मुझे ऐसा लगता है, आप लोग बताना, फिलहाल पूरे इंडिया में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जो सबसे टॉप टीम है वो नीट काका जी के पास में है, क्या कहती है जनता इस मुद्दे के ऊपर? फिजिक्स में अजय सर, ऊर्जा सर, मित्तल सर, बायोलॉजी में और केमिस्ट्री में एक छोटा सा इंसान आपके सामने कलाकारियां दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, क्या कहती है जनता इस मुद्दे के ऊपर? और कई लोग इस बात से बहुत चिढ़े हुए हैं हमसे, कैसा कैसे हो गया, अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी हमारे पास ढंग के टीचर क्यों नहीं आ पाए? Obviously yes. Thank you so much for your words. When I say about equivalence, when I say about equivalence, it's all about one unit, one, 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 one. Okay? मैं क्या इसको उधर भेज सकता हूँ क्या? Oh nice. चला गया बदतमीज कहीं का. Basics. भाई अगर तुम्हें ये आता है ना तो तुम्हें पूरी केमिस्ट्री आती है. अगर तुम्हें आता है ना पूरी केमिस्ट्री आती है. बेसिक्स
सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, ये वर्ल्ड्स बेस्ट टीम। क्या आप रेडी हो? क्या आप पूरे फोकस के साथ में तैयार हो पढ़ने के लिए? देखो प्यारे बच्चों, अकल के कच्चों, दिमाग के सच्चों, मान लो मेरे पास में, ध्यान से सुनना, 98 ग्राम H2SO4 है। H2SO4 एक एसिड है जो H प्लस आयन देता है। भाई बहनों यहीं देखना है, तो मेरे पास H2SO4 का कितना मोल है? 1 मोल है। गुजरात की जनता जनता को मालूम है कि 1 मोल है। और जब ये 1 मोल है तो मुझे बताइए कि गांधीनगर में इसके कितने मोल बनेंगे? तो 2 मोल बनेंगे साहब। क्या जो अभी तक मैंने लिखा, मैं इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट वन, वी हैव टू फोकस एट सिंगल, एक की बात करता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? वन के ऊपर मेरा फोकस है। क्या जो मैंने लिखा वो सही लिखा क्या? एसिड H प्लस आयन देता है ये मैं जानता हूं, पूरा भारत जानता है। बेस OH माइनस देता है। मुझे बताओ कि H2SO4 का कितना मास लूं कि मुझे सिर्फ 1 मोल H प्लस आयन मिले। भाई बहनों तो 98 ग्राम, 90 ग्राम से एक मोल, तो बताओ, तुम मुझे बताओ, तुम बताओ, सॉल्व करो इसको, कर सकते हो क्या सॉल्व? 1 मोल H प्लस कहां से आएगा? तो 1 मोल H प्लस कहां से आएगा? 1 मोल H प्लस आएगा 49 ग्राम H2SO4 से। और 49 क्या है? मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय 2। मैं सही कह रहा हूं क्या? और जितने मास से 1 मोल H प्लस आ रहा है वही उसका इक्विवेलेंट वेट है। बिकॉज 1 कितना वेट? 1 मोल H प्लस आयन देगा 49 ग्राम। तो 49 क्या है? इसका इक्विवेलेंट वेट। ये बेसिक भाई, इक्विवेलेंट वेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं, याद है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास बताओ फटाफट से, जल्दी करो। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर मास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ध्यान से सुनना, जिंदगी में मोल में कभी दिक्कत नहीं होगी, कॉन्सेप्ट समझ लिया। यानी कि मेरे पास में क्या है? मेरे पास कुछ नहीं है। तो इससे कितने मोल OH माइनस आएंगे? तो साहब इससे आएंगे 2 मोल OH माइनस। बहुत ही बढ़िया मित्रों, लेकिन मित्रों मुझे बस एक वोट चाहिए, एक वोट चाहिए। और इसलिए जब मैंने कहा कि मुझे 1 मोल OH माइनस आयन चाहिए, एक चाहिए, एक, एक दो, एक दो, अंगूठा टेक दो, तो बताओ कितना आएगा? 37 ग्राम। ये इसका क्या है? इक्विवेलेंट वेट EW। तो क्या है यहां पर? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2। हर बार 2 नहीं होगा, डिवाइड बाय 2 नहीं, हर बार नहीं होगा डिवाइड बाय 2, हर बार डिवाइड बाय 2 नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखना भाई ना, थप्पड़ मार दूंगा ना, हर बार डिवाइड बाय 2 नहीं होगा। ध्यान से सुनो। अच्छा मुझे बताओ, तुम बताओ, मोना कहां है? सोना, सोना तो बिस्तर पे ही है। अरे गोल्ड कहां है? गोल्ड, अच्छा गोल्ड, सॉरी। मुझे बताओ मेटल जो है क्या वो इलेक्ट्रॉन देता है? यस,
और नो। क्या मैटर इलेक्ट्रॉन देता है, हाँ या ना, जल्दी बता दो। ठीक है ना, समझते जाओ। देखो, मान लो मेरे पास में माइकल, यहां देखो वरना साइकिल तोड़ दूंगा, 27 ग्राम एल्यूमिनियम है, तो कितना मोल एल्यूमिनियम? 1 मोल एल्यूमिनियम, यस और नो? माइकल, हर एक एल्यूमिनियम 3 मोल इलेक्ट्रॉन देगा, यस और नो? तो मुझे बताओ, मुझे तो सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। भाई और बहनों, मैं जानना चाहता हूं कि कितना मास सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रॉन देगा। मैं पूछना चाहता हूं, जनता जवाब दे, देश के लिए जवाब दे भाई बहनों। तो मुझे अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए तो कहां से आएगा? 27, एक चाहिए, तीन आ रहे, डिवाइड बाई 3, 9 ग्राम, यानी कि मॉलिकुलर वेट बाई 3, ये इसका इक्विवेलेंट वेट है। ये बेसिक्स है। आधे लोग सरेंडर हो गए हैं क्योंकि न्यूमेरिकल आ गया था, और जब न्यूमेरिकल आता है तो इनके पेट में नहीं, दिमाग में चूहे कूदते हैं, कुतरा जाता है इनका दिमाग, मात खा जाते हैं। परसेंटेज प्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझाएंगे, चिंता नहीं करो, उसके बाद यही आएगा। फोकस करो बाबू। अच्छा, मेटल इलेक्ट्रॉन, अच्छा नॉन मेटल क्या करती है? तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। अच्छा, भी विश्वास बैच 2025 के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं नीट काकाजी ऐप के ऊपर, वहां जा सकते हो आप लोग, प्रोसीड कर सकते हो। यहां देखो, क्या नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, क्या यस और नो? ठीक है, जानते देखो। अच्छा ये बताओ, एक सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, ऑक्सीजन क्या 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेती है जिससे उसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है, यस और नो? अगर ऑक्सीजन के O2 फॉर्मेट में हो तो इलेक्ट्रॉन नंबर 4 होगा, यस और नो? और बनेंगे 2O2 माइनस, यस और नो? यस। भाइयों बहनों, गुजरात में देखिए, मेरे पास में 32 ग्राम O2 है, तो मेरे पास में कितने मोल O2 है? 1 मोल O2। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है? 4 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड। उसका कितना मास सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा? तो 32/4, तो 32/4 कितना आ गया? 8, जो कैसे आया, मॉलिकुलर वेट डिवाइड बाय 4, ये इसका क्या है, इक्विवेलेंट वेट 8 ग्राम होता है भाई, 8 ग्राम। कितना सिंपल समझा दिया। इस वीक में फिजिकल पूरी करवा दूंगा, बहुत दूर से ही ना, फिजिकली तुम्हारे पास में नहीं आऊंगा, दूर से ही करवा दूंगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों? इतना समझ में आ रहा है क्या? तुम आगे चलूं, वरना थप्पड़ मार दूं तुम्हारे में। लेक्चर कब से स्टार्ट हुआ है? जब से भारत आजाद हुआ है। यहां फोकस करो प्यारे बच्चों, आज मैं एक बहुत तगड़ी बात बता रहा हूं तुम्हें, देखो ध्यान से सुनना। मान लो मेरे पास में 294 ग्राम K2Cr2O7 है, K2Cr2O7 है 294 ग्राम, ठीक है ना?
K2 से 807 कितना है? 294 ग्राम। ठीक है, नॉन मेटल नहीं आया, अभी आ जाएगा, रुक जा, मैं भरोसा रख मेरे पे, अभी रुक अभी आएगा तेरे को, अभी आएगा, ठीक है ना। तो भाई ये 294 का मतलब होता है 1 मोल K2Cr2O7 का, ये मास लिख दिया, मेरे को याद था इसलिए मैं रट के आया था। यस टाइल। अब देखो K2Cr2O7 नॉर्मली क्या करता है, ध्यान से सुनना, क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सामने वाले का ऑक्सीडेशन करता है तो खुद का रिडक्शन। किस में रिडक्शन? ऑक्सीडेशन नंबर में। कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है भाई? 6 मोल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड। अब मैं बहुत भारी कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, बहुत भारी, तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा। तो इसका तुम EW बता सकते हो, इक्विवेलेंट वेट? हाँ बता सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है, MW/6 इलेक्ट्रॉन लेता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना हो? एक भारी कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा तुम लोगों को आज, एक भारी कॉन्सेप्ट सिखा दूं क्या? बोलो बाबू जादू टोना, बाबू सोना रोना धोना, सिखा दूंगा भारी कॉन्सेप्ट है, BMR। BMR मेटल रिड्यूसिंग एजेंट या बेस, ये सभी इलेक्ट्रॉन देते हैं, रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, ध्यान रखना इस बात का। जबकि इसको उल्टा, बेस का उल्टा एसिड, मेटल का उल्टा नॉन मेटल, और रिड्यूसिंग एजेंट का उल्टा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सभी इलेक्ट्रॉन लेते हैं। BMR ध्यान रखना, BMR इलेक्ट्रॉन लेना, इलेक्ट्रॉन लेते हैं भाई बहनों। बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने आंसर निकाला है, वेरी नाइस, 49 ग्राम्स डिवाइड करने के बाद, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये भाई सब लोग रट लेना, BMR यानी कि बेस, मेटल और रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं, ठीक है, सुपर कॉन्सेप्ट है। थोड़ी देर में लेक्चर खत्म होने वाला है, बस थोड़ी देर में, इतना क्लियर है क्या सब लोगों को? तो मैं आगे चलूं, इतना बेसिक क्लियर है क्या सब लोगों का? ये बेसिक्स है। अब मैं आपको सिखाता हूं प्यारे बच्चों कि इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं। वाह 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 वाह, कैसे पढ़ा ये मेरा नाम जाने, राम जाने, राम जाने। ओके आगे चलते हैं भाई। तो भाई इक्विवेलेंट निकालने का, इक्विवेलेंट जैसे मोल्स होते हैं वैसे इक्विवेलेंट्स होते हैं। पहला तरीका देखो इक्विवेलेंट्स निकालने का, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट, वेट डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। कहते हैं लोग मुझे राम जाने, राम जाने। अब मेरा एक सवाल है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 54 ग्राम एल्यूमिनियम, जल्दी से निकाल दो उसके इक्विवेलेंट्स कितने हैं। 54 ग्राम एल्यूमिनियम के जल्दी से, मैं सीरियसली पढ़ाऊंगा, बहुत बहुत मजाक हो चुका है, अब और ज्यादा मजाक करूंगा, जल्दी बताओ। 54 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू 6 इक्विवेलेंट्स। वहां पे होता था वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, यहाँ क्या होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, कितना है 9, ठीक है ना। अब सुपर कॉन्सेप्ट, सुपर कॉन्सेप्ट। अच्छा एक बात बताओ बाबू, ओ इधर देखो, अच्छा 54 ग्राम के मोल्स निकाल सकते हो क्या? मोल्स, मोल्स निकाल सकते हो क्या? हाँ मोल्स भी तो निकाल सकते हैं, 54 डिवाइड बाई 27, 54 कितना आया? 2 आया,
छः तो वैलेंसी फैक्टर से गुणा किया है कि जितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो उसका वैलेंसी फैक्टर है, तो 6 आ गया। तो भाई इक्विवेलेंस को निकालने का एक और तरीका है, ध्यान से सुन लेना, सुपर इक्विवेलेंस इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। और ये वैलेंसी फैक्टर क्या क्या हो सकता है, H प्लस और OH माइनस का नंबर हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर हो सकता है, जैसे एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देता है वैलेंस फैक्टर 3 हो गया, या फिर टोटल चार्ज हो सकता है। सुपर कॉन्सेप्ट है ये, सुपर कॉन्सेप्ट है, सुपर कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंस इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, सुपर कॉन्सेप्ट है। वैलेंसी फैक्टर क्या क्या हो सकता है, एच प्लस या OH माइनस का नंबर एसिड के लिए ही है, बेस के लिए, इलेक्ट्रॉन मेटल ने कितने दिए, नॉन मेटल ने कितने लिए, या टोटल चार्ज किसी सॉल्ट के लिए हो सकता है। जैसे मान लो एक सवाल पूछता हूं मैं, अब तुम नहीं कर पाओगे इस सवाल को, आई प्रॉमिस यू, इसको तो कर लोगे, आगे वाला नहीं कर पाओगे। MgSO4 का वैलेंसी फैक्टर बताओ, टोटल चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव लेना होता है इसमें, कितना आ जाएगा, 2। एल्यूमिनियम सल्फेट का बताओ वैलेंसी फैक्टर, PyQ है ये, एल्यूमिनियम सल्फेट का टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया भाई, 6। पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, वैलेंसी फैक्टर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। ठीक है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया, टोटल चार्ज लेना होता है इसमें। आगे देखो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, इक्विवेलेंस और कैसे निकाल सकते हैं, n मल्टीप्लाई v, n क्या होता है, इक्विवेलेंट पर लीटर, वॉल्यूम किसमें है, लीटर में, तो क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। वहां मोल के लिए क्या हो रहा था, m मल्टीप्लाई v, यहां क्या हो रहा है, n v। और ये दुनिया का सबसे पावरफुल फॉर्मूला है केमिस्ट्री का, n मल्टीप्लाई वी, 99% सवाल बन जाएंगे अगर आपको पता हो तो। अब कैसे पता हो वो आगे पढ़ेंगे भी। और कैसे निकाल सकते हैं इक्विवेलेंट्स, पीवी अपॉन आरटी मल्टीप्लाई वीएफ, वीएफ बोले तो वैलेंसी फैक्टर, पीवी अपॉन आरटी क्या हो गया, मोल्स हो गया मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, या फिर और कैसे बोल सकते हैं बताओ, इक्विवेलेंस इक्वल्स टू ये भी बोल सकते हैं क्या, एम मल्टीप्लाई वी, ये तो हो गया मोल्स मल्टीप्लाई वी एफ, यस और नो जल्दी से बता दो भाई, एम भी तो हो गया मोल्स, मोल्स मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट्स हो सकते हैं क्या, इक्विवेलेंट्स को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, वॉल्यूम इन, वॉल्यूम इन लीट, जिसमें भी हो, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम, इक्विवेलेंट वॉल्यूम, अब बहुत भारी भारी सवाल करने वाले हैं, बहुत ही भारी भारी सवाल करने वाले, मजा आ जाएंगे तुम लोगों को, कर सकते हैं क्या भाई, हाँ। अच्छा तुम एक काम कर सकते हो बाबू, बाबू एक काम कर, जिसने सवाल सोल्व किया ना उसका सिलेक्शन गारंटी होगा, गारंटीड होगा, जेई हो चाहे नीट हो, इस साल होगा। O2 का इक्विवेलेंट वॉल्यूम बता, जिसने कर दिया ना उसका गारंटीड सिलेक्शन होगा, बता दे O2 का इक्विवेलेंट वॉल्यूम। इक्विवेलेंट मास कितना आया था, 8 ग्राम, 32 ग्राम का वॉल्यूम कितना होता है, 32 ग्राम मतलब एक मोल, एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है, 22.4 लीटर, तो
तो भाई 32 अगर मास डिवाइड बाई 4 हुआ है तो वॉल्यूम डिवाइड बाई 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.6 लीटर। सब लोगों ने सही जवाब दिया, कितने ब्रिलियंट लोग पढ़ रहे हैं यार। एक समय था जब यूट्यूब पे बेवकूफ़ लोग पढ़ते थे, अब बेवकूफ़ ही पढ़ाते थे, समय चेंज हो गया। आगे चले, बहुत 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 बधाई हो आपको। अब दुनिया का एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है, मतलब इससे ऊपर कुछ नहीं है दुनिया में। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। बस क्लास थोड़ी देर में खत्म हो रही है। ओहो, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। बहुत ही भारी कॉन्सेप्ट है। क्या है कि मान लो पी प्लस क्यू रिएक्ट करके आर प्लस एस बनाए, तो इन सब के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे, मतलब इक्विवेलेंट ऑफ पी इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ क्यू इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ आर इक्वल्स टू इक्विवेलेंट ऑफ एस। सुपर कॉन्सेप्ट है इस दुनिया का, ये हमेशा इक्विवेलेंट बराबर होते हैं, हमेशा इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। ये दुनिया का सबसे भारी कॉन्सेप्ट है। और अभी देखना तुम्हारे मूल कॉन्सेप्ट के सवाल कैसे मजाक में होते हैं, इतने मजाक में करोगे तुम, मजा आ जाएंगे तुम्हें, जीवन के मजा आने वाले। अब आएंगे मजे, लेफ्ट वेंट्रिकल आ चुका है इस कॉन्सेप्ट का। कौन कौन रिएक्ट करते हैं आपस में, कौन कौन रिएक्ट करते हैं? मेटल की रिएक्शन होती है नॉन मेटल से, तो मेटल और नॉन मेटल जब भी रिएक्ट कर रहे हैं तो इनके इक्विवेलेंट सेम होंगे। एसिड की रिएक्शन होती है बेस से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन होती है रिड्यूसिंग एजेंट से, मतलब इनके इक्विवेलेंट सेम होंगे हमेशा। इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, बेसिक तरीका, सबसे जो मोस्ट कॉमन तरीका वो क्या है, मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, बहुत जगह काम आता है मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। ठीक है ना भाई, मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। और सुनो, हे लुक एट मी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अभी बताया था, देख लो यहां पे बेस मेटल और रिड्यूसिंग इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करो, K2Cr2O7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, जल्दी लिख दो चैट में, 6 हो गया। केमेनोफोर रंग बदलता है, इंसान से कम बदलता है लेकिन रंग बदलता है। हा? उन सभी को होली की शुभकामनाएं जो अक्सर रंग बदलते हैं, बोल देना अपने किसी साथी को जिसने कभी रंग बदला हो, रंगों की जरूरत नहीं होती, कुछ लोगों को अक्सर रंग बदल लेते हैं हालात के हिसाब से। केमेनोफोर भी वैसा ही, आई डोंट लाइक दिस। एसिडिक मीडियम, ध्यान से सुनना, क्या एसिडिक मीडियम प्रोटॉन रिच मीडियम होता है, जल्दी से बता दो, क्या एसिडिक मीडियम प्रोटॉन रिच मीडियम होता है, क्या हाँ या ना, क्या एसिडिक मीडियम प्रोटॉन रिच होता है, क्या H+ होते हैं उसमें, और H+ अगर है तो ये भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सेप्ट करता है। बेसिक मीडियम इलेक्ट्रॉन रिच होता है, बेसिक मीडियम इलेक्ट्रॉन रिच होता है, और बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट टेंडेंसी नहीं होती, तो मीडियम एसिडिक है तो आसपास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन आएगा फटाक से इलेक्ट्रॉन लपक लेगा। एसिडिक मीडियम में 5 इलेक्ट्रॉन लेता है, न्यूट्रल में 3 लेता है, और बेसिक जहां इसके आसपास खूब इलेक्ट्रॉन है, दबा के कोई जरूरत ही नहीं है इसको, इलेक्ट्रॉन कभी कहां आ रहा है कभी वहां आ रहा है कोई चिंता नहीं, कभी इलेक्ट्रॉन ले रहा है कभी फेंक दे रहा है कभी थूक दे रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है। कुछ लोग इसकी ट्रिक बताते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं बैन, है ना, बेसिक में 1, एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3,
एसिडिक में 5, न्यूट्रल में 3। तो एसिडिक माहौल मतलब समथिंग विच इज हैज लॉट ऑफ प्रोटॉन्स, तो उसमें इलेक्ट्रॉन फट इलेक्ट्रॉन देखा, मीडियम हेल्प कर रहा है, मीडियम हेल्प कर रहा है इसकी, तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा कैसे, और बेसिक मीडियम में इलेक्ट्रॉन है तो खींचने की कोशिश तो करेगा लेकिन खींच नहीं पाएगा, आसपास बहुत इलेक्ट्रॉन्स है ना, नहीं हो पाएगा बेसिक में, हो जाएगा एसिडिक में। चलो यहां देखो कुछ सवाल कर लेते बाबू। अच्छा इससे पहले मैं कुछ सवाल कर रहा हूं, कुछ फेमस चीजों के वैलेंसी फैक्टर बता देते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं ऐड आ रहे हैं, तो भाई ऐड हमारे थोड़ा ना है, जिन लोगों को तुमने पैसे दिए उन्हीं के ऐड आ रहे हैं, हम क्या करें हम क्या करें इसमें, वही तो ऐड चला रहे हैं, हम इनके पैसे कम होने। सम फेमस वैलेंसी फैक्टर्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, सम फेमस वैलेंसी फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको ध्यान ही रखना है। ठीक है फोकस करो, फेरस ऑक्सिलेट होता है, फेरस ऑक्सिलेट, फेरस ऑक्सिलेट C2O4, पूरा लिख देता हूं, फेरस होता है Fe2+, ऑक्सिलेट होता है C2O4-2, क्रिस क्रॉस होता है तो फेरस ऑक्सिलेट बनता है FeC2O4। इसमें ध्यान से सुनना, ध्यान से, आयरन +2 में है और कार्बन +3 में है, ऑक्सिलेट में कार्बन +3 में होता है, कैसे आया तो यहां देखो C डबल बॉन्ड O O-, जो चौथा बॉन्ड है वो कार्बन कार्बन से बना हुआ, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट तीन जगह होगा तो +3, और यहां पर भी +3 में होता है। कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो सकता है, +4, तो यहां दोनों कार्बन जो +3 में है वो +4 में जा सकते हैं, दो कार्बन है C2। तो मुझे आप ये बताओ कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने रिलीज कर सकता है ये, अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है मतलब इसका इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका अगर ऑक्सीडेशन होगा तो Fe2 से 3 में चला जाएगा, कितने इलेक्ट्रॉन आया 1, और C2O4-2 चला गया CO2 में, कितने इलेक्ट्रॉन आए +3 से +4 में गए, कितने जने 2 जने, कितने इलेक्ट्रॉन आए भाई, Vf निकाल सकते हो क्या, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 3। सुपर इंपॉर्टेंट है, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स, कह रहे कि आपका लेक्चर मूवी की तरह होता है, मुझे हेरोइन क्यों नहीं मिलती फिर, हेरोइन बोल रहा हूं हीरोइन नहीं बोल रहा हूं। अब तुम मुझे निकाल के दो फेरिक ऑक्सिलेट का, मैं तुम्हें मान जाऊं, फेरिक ऑक्सिलेट का निकाल के दो, फेरिक ऑक्सिलेट। अब फेरिक में आयरन का तो होगा नहीं, ऑक्सिलेट का ही होगा, तो Fe+3 और ऑक्सिलेट क्या C2O4-2-, क्रिस क्रॉस कराओ क्या बना Fe2C2O4⁄, एक कितने इलेक्ट्रॉन देता है 2, टोटल 3 है, कितना हो गया 6 इज वैलेंसी फैक्टर। साउथ के हीरो हैं सर, इज्जत कर रहे हो कि बेइज्जती कर रहे हो सालो,
बदतमीज लोगों। चलो यार देखो भाई, एक होता है मोहर सॉल्ट, है ना, मोहर सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है वो। क्या फॉर्मूला होता है उसका सुन लेना, मेरे को भी नहीं आता, मैं तो टीप टाप के बोल रहा हूँ। फेरस अमोनियम सल्फेट, वाटर के मॉलिक्यूल 6 होते, ध्यान से सुनना एक बार। ये रहा फेरस अमोनियम सल्फेट, Fe, ध्यान से सुन लेना, फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट। सल्फेट में सल्फर कौन से स्टेट में है बोलो जल्दी से, ऑलरेडी +6 में है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कैसे हो सकता है यार, एक ऑक्सीजन आई दूसरे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कर दी। मैं ऑक्सीडेशन का मतलब ही ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, एक ऑक्सीजन दूसरे से जुड़ रही है, चाटा मार दूँ। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन होगा वो सिर्फ फेरस का होगा, तो +2 से +3 में जाएगा, बाकी और किसी का ऑक्सीडेशन होने वाला नहीं है। नाइट्रोजन के ऊपर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, सब कुछ दे चुकी है अपनी जिंदगी का। सल्फर का वैसे नहीं होगा, +6 में है सल्फर, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 1। मोहर सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर इंपॉर्टेंट है, जेई में सवाल आया है, नीट में सवाल आ सकता है। मोहर सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर सल्फर +6 में है ऑलरेडी, नहीं होगा, नाइट्रोजन का वैसे ही नहीं होगा। बोलते क्यों नहीं हो तुम, क्या तुम्हें भी किसी ने धोखा दिया है? जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी चुड़ैल थी जिसके लिए मैं काला जादू करता था। हाँ भाई, अरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, मोहर सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर 1 होता है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा चलो तो सिंपल सिंपल पूछ लेता हूँ, हटाओ रे यार तुम, क्या फाल फालतू चिंता कर रहे हो, हटाओ। बताओ H3PO4 का वैलेंसी फैक्टर, तो ये तो 3H+ देता है। ओहो, और सर कॉन्फिडेंस आ गया है ना, कई टीचर्स बच्चों को ऐसे कॉन्फिडेंस दिलवाते रहते हैं ऐसी चीजें करवा के, और सर क्या बात है, मजा आ गया, तो कॉन्फिडेंस आ गया सर, ऐसे ऐसे खेल चलते रहते हैं वहाँ पे, कॉन्फिडेंस आ गया बस। H2SO4 का बताओ, ओहो, अरे सर क्या बात है सर, कॉन्फिडेंस आ गया सर, आ गया सर, बेटा कॉन्फिडेंस आया, सवाल नहीं आएगा ये। सोडियम का बताओ वैलेंसी फैक्टर, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, वैलेंसी फैक्टर 1 ही होगा भाई इसका। यस और नो मेरे बाबू, सोना जादू टोना रोना धोना, जल्दी बोलो। मोल ये ध्यान रख लेना, मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट का तरीका होता है, पीवी अपॉन आरटी मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, एन मल्टीप्लाई बीवीवी क्या होता है, इक्विवेलेंस निकालने का तरीका होता है। और दुनिया में लॉ ऑफ इक्विवेलेंस सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जब भी दो चीजें रिएक्ट करती है, चाहे वो मेटल नॉन मेटल हो, एसिड बेस हो, उनके हमेशा इक्विवेलेंट सेम होते हैं। दुनिया का सुपर कॉन्सेप्ट है भाई ये, इक्विवेलेंट्स आर सेम, एंड इफ यू डोंट नो दिस शेम ऑन यू, शेम शेम। क्या मैं कुछ सवाल करवा दूं, अगर तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं कुछ सवाल करा दूं क्या? यस रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ओह क्या कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट वाले में वैलेंसी फैक्टर समझ में नहीं आया भाई, देखो फेरस +2 - कैंसिल, फॉर्मूला ही निकल गया है, फेरस 1 ही है, अकेला इलेक्ट्रॉन दिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, कार्बन 2 है, +3 से +4 में जाएंगे, 2 कार्बन है, कितने इलेक्ट्रॉन आए 2, तो 2 तो ऑक्सीलेट से निकलेंगे बाहर, 1 फेरस से निकलेगा, 2 रे कितने हो गए 3, 2 रे कितने हो गए 3। फेरिक में यहां से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, जो निकलेगा यहां से निकलेगा, ये कितने हैं, ये खुद ही 3 है, हर एक से 2 बाहर निकलते हैं, 2 × 3 = 3, 6 हो गया, 2 × 3 = 6 हो गया। अरे कुछ तो, अब तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बाबू, अब तो बस धुआंधार सवाल ही सवाल है, और कुछ होना ही नहीं है। ढूंढू सवाल, मेरी नजर ढूंढे तुझे। अच्छा हेलो, सबसे सिंपल सवाल के साथ शुरुआत करते हुए, यहाँ पर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग आज बैटिंग करने आए हैं इस पिच के ऊपर, टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी चुनी है, और शोएब अख्तर सामने, शोएब अख्तर गंजे हो गए हैं आजकल, बाल गायब, गंजे क्यों, गांजा पी की, गांजा पीते पहले, रेडॉक्स इसी में हो जाएगा बाबू बाबू, ठीक है ना। अब यहाँ देखो MnO4- है, यही सॉल्व करोगे यहाँ पे,
MnO4 माइनस की लड़ाई हो रही है, ये तो OA है, OA बदतमीज, C2O42 माइनस है, ये क्या है, RA रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों की रिएक्शन हो रही है। ध्यान क्या रखना है, मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। देखो ध्यान से सुनना, आप थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं। ऑक्सलेटाइन कहां से आ रहे हैं, तो भाई ऑक्सलेटाइन आ रहे हैं ऑक्सलिक एसिड से, क्योंकि और दूसरा आयन यहां पर नहीं है, और अगर मीडियम नहीं दिया हुआ हो तो एसिडिक ही मानना है। मीडियम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कितना मोल दिया हुआ है, 1 मोल MnO4 माइनस 5 एक्स मल्टीप्लाई 2 एक्स इक्वल्स टू 5/2 ढाई मोल। ऑब्वियस सी बात है यार, ये 5 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसकी औकात 5 लेने की, ये दे दो ही रहा है, बोले हट तेरे आ गए नेक्स्ट, उसने 2 दे दिए, 2 हो गए नेक्स्ट, तो तेरे से 1 ही लेंगे ढाई। सिंपल है यार, सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। कितने नंबर का था यार ये, 6 नंबर हो गया, 7 करवाते। रेडॉक्स भी हो गया बेटा साथ में, खत्म है रेडॉक्स। क्या होता है रेडॉक्स, कुछ नहीं होता, मोल ही होता है, सॉल्यूशन भी हो जाएगा थोड़ी देर में भी, सारे चैप्टर हो जाएंगे यहीं पे। सर आपकी निचोड़ बहुत इफेक्टिव, मेरी निचोड़ भाई एनसीईआरटी फील सब लोग कर लेना भाई, जितने भी लोग जेई नीट की तैयारी कर रहे हो ना, एनसीईआरटी फील अभी बहुत भारी किताब आई है, और 11th 12th वाले बच्चे एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड करते चलो, तब किताबें अल्टीमेट है, निचोड़ो एनसीईआरटी फील हो, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड हो। अब MnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस होगा, ठीक है ना, MnO4। अरे बड़ा स्लो चला भाई मारकर, फेरस ऑक्सिलेट है यहां पर, तो ये कौन होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये कौन होता है रिड्यूसिंग एजेंट, बोलो मोल मल्टीप्लाई, बोलो मोल मल्टीप्लाई, हाउ मेनी मोल्स एक्स वैलेंसी फैक्टर एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, बोलो कितने, इसके 1 मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, एक्स की वैल्यू निकालो, बोलो स्वाहा। अरे निगम वर्मा के कमेंट क्यों हटा दिए बेचारे के यार, रखो ना, हटाओ मत भाई किसी के भी कमेंट, बेचारा 10th क्लास का बच्चा है। डन, हम तो ओहो उड़ जा काले कावाम, याद ही नहीं है, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच कंड पावा, ले जा तू संदेशा मेरा मैं सदके जावा, ये छोटी सी जिंदगी में
राता लंबिया लंबिया घर आ जा परदेसी, ये तेरी मेरी एक जिंदड़ी। फोकस। मिलीक्यूलेंट्स निकालने हैं, एन मल्टीप्लाई वी इन एमएल सही है क्या? बिल्कुल सही बात है। अगर ये लीटर में होता तो इक्विवेलेंट्स आते, एमएल में है, सही बात है। और जितने इक्विवेलेंट्स होते हैं उसके 1000 टाइम्स मिली इक्विवेलेंट्स होते हैं, जैसे एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, सही बात है। ठीक है ना, सही बात है। इक्विवेलेंट एन इन लीटर, सही बात है। इक्वल इक्विवेलेंट्स और मिली इक्विवेलेंट्स और फिर रिएक्टेंट्स गिव द सेम प्रोडक्ट्स, ये होता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। परदेसी नहीं आएंगे क्या करें, इसलिए देसी पीनी पड़ती है आदमी को। जब परदेसी नहीं आते तो आदमी देसी पीते ना, वो ऑप्शन है। एट्थ क्वेश्चन। मोल कॉन्सेप्ट था, बोरिंग चैप्टर है ना, क्या बताऊं मैं तुम्हें। एट तो हो गया यार। अच्छा तुम ये कर सकते हो क्या, ये कर दो। देखो तुम्हें मैं मान जाऊंगा आज, मैं तुम्हें रिएक्शन दी हुई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बैलेंस वैलेंस मैटर नहीं करते। ये इसके 5 ग्राम है, बताओ इसका कितना वेट होगा रिएक्शन के लिए। ऑक्सीजन के 5 ग्राम से अरे भाई बाबू रुक जा, इसके 5 ग्राम से कैल्शियम का कितना वेट रिएक्ट करेगा, तो क्या बोलेंगे, मेटल कैल्शियम है, ये कौन है नॉन मेटल, इसके इक्विवेलेंट्स बराबर इसके इक्विवेलेंट्स क्या होता है, इक्विवेलेंट्स मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, मोल कैसे, वेट डिवाइड बाय एटॉमिक मास मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर 2.5 डिवाइड बाय 32 मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर कितना होता है भाई ऑक्सीजन का, O2 का वैलेंसी फैक्टर कितना होता है। अगर मैंने 32 रखा है यहां पर तो वैलेंसी फैक्टर कितना रखूंगा, 4। अगर मैं ऑक्सीजन को अगर मैं एटॉमिक फॉर्म में मानता था 16 रखता है 2 रखता, एक ही बात आती, काट के देख लो ये 2 और 16 हो जाएगा। एक्स निकालना है, एक्स बाई 20 इक्वल्स टू 20/32, एक्स इक्वल्स टू 400/32, 100/8, 4 से काटा ना तो ये आ गया 800। बहुत बढ़िया भाई, 2 बच्चों ने जवाब दिए कुछ नाइस। ये कॉन्सेप्ट चमका क्या या ऋण लेके आऊं, चौंक गए, चांदनी चौक में जाके चौंकना होता है, यहां नहीं चौंकना है। देखो भाई मोल डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट एक पुराना कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस कभी भी फेल नहीं होगा, आपका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मतलब ही नहीं है, कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस कभी भी फेल नहीं होगा। इस बात को लिखो सब लोग चैट सेक्शन में कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस कभी भी फेल नहीं होगा इस जन्म में,
कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस कभी भी फेल नहीं होगा इस जन्म में, लिखो इस बात को। इसको सिर्फ अच्छे बच्चे ही कर पाएंगे। आहा, क्या बात है। एक सीरीज सिर्फ क्वेश्चन के लिए, बहुत जल्दी लाएंगे, चिंता नहीं करियो। जब से देखा है तेरे हाथ का चांद, देखा नहीं मैंने रात का चांद, क्योंकि मैं ले रहा था मूल कॉन्सेप्ट की क्लास। बेकार गाना जो, जल्दी सॉल्व करो भाई। इसके मोल्स कितने चाहिए? इसके 0.5 है। क्या करेंगे भाई, मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू दिए हुए मोल। वैलेंसी फैक्टर बताओ फेरस ऑक्सिलेट का 3, फेरिक का कितना बोलो बाबू? 6। मोल मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स टू 1.5 + 3। मोल इक्वल्स टू 4.5 / 6, देन फिर कुछ नहीं, 45/60। 15 से काटो, पूछ के बिना पूछ के, पूछ के काटो यार, बिना पूछ के तो पूरी दुनिया काट रही है ना। 0.75। एक नाई होता है बेचारा जो पूछ के काटता है, तभी तो जब नाई जो होते हैं ना बेचारा, उनको बहुत कटा होता है, तो नाई की दुकान पे जाओगे ऐसे गाने चल रहे होते हैं ना, जीता था जिसके लिए, जिसके लिए मरता था, एक ऐसी लड़की जिससे मैं प्यार करता था, बट तो फिर इसलिए पूछ के काटते हैं बेचारे, ऐसे नहीं काटते सीधा, आराम से पूछते हैं पहले कि काटो कि नहीं काटो। ठीक है भाई, टफ क्वेश्चन ओनली फॉर टॉपर्स। ओहो टॉपर्स, हमारे सारे बच्चे टॉपर है भाई, हमारे सारे बच्चे टॉपर है। अभी ऐसा क्वेश्चन जेई में पूछा हुआ है, बात करेंगे अभी, टॉपर है। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंस कभी भी फेल नहीं होगा, लिख लो इस बात को। न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 है, मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर कितना भाई न्यूट्रल में? 3। 0.5 × 3 + 0.5 × 6 बोलो बच्चे। ओ 4.5 / 3, ओके 45/30। फादर वेर यू वर, सेंट लिक्विड क्लोज हो ना, फादर चोला पहन के घूमते, ओ माय गॉड फादर आप कहाँ थे? यही था, फादर वाज सर्चिंग फॉर यू। वन पॉइंट फाइव, ऑल राइट। एक 71 पे मिलेगा धांसू सवाल। ओहो कहाँ है रे, ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी अपना मर है रे। मजा आ गया इस सवाल में तो। नहीं नहीं ये नहीं है, नहीं सॉरी बच्चों। यस बहुत ही बढ़िया सवाल है यार, मजा आते हैं सवाल करके, मजा आते हैं, मजे ही मजे। मिक्सचर जिसमें सबका एक मोल है, अभी किसका है? फेरस ऑक्सिलेट का, फेरिक ऑक्सिलेट का, फेरस सल्फेट का, फेरिक सल्फेट का। भाई देख लो, एक चीज सुन लो, फेरिक सल्फेट ध्यान से सुन लेना, फेरिक सल्फेट क्रिस क्रॉस कराओ, Fe2SO4 का होल थ्राइस। फेरिक में ना ये ऑक्सीडाइज हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम स्टेट में है, और सल्फेट को भी कोई ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता क्योंकि +6 में है, आगे ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो ये तो कोई मतलब का ही नहीं है।
अब रोएंगे बच्चे, 90% तो हो जाएंगे सरेंडर इसी में। कर दो इस सवाल को, मजा आ जाएंगे। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 3। इसका कितना है? 6। इसका कितना है? फेरस सल्फेट, फेरस में Fe2 प्लस जाएगा Fe प्लस 3 में। सल्फेट को कोई ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या? नो सर, नो 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 नो। इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 1। मीडियम कौन सा? एसिडिक। तो इस तरफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल्स टू रिड्यूस, सबको जोड़ना पड़ेगा है कि नहीं? मोल x, वैलेंसी फैक्टर 6 इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 6, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0। कुछ हो रहा है क्या भाई? अरे 5 लिखो सर, 6 कहाँ से आ गया एकदम से? ही आज तक तो क्या लिखता है जब एकदम से 6 कर दिया? 5 K-4 है ना भाई, K2C8O6 होता है। x equals 2, 3 plus 6 plus 1 divide by 5, x equals 2, 10 divide by 5, 2, तू चल मैं आई, तू चल मैं आई, देखो शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, तू चल मैं पहले गाना में ना ऐसा था ला 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 ला, मैं सोचता क्या मांग रहे हैं यार ये, बहुत देर तक चलता पहले गानों में, उनके लिरिक्स नहीं होते थे, ला 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 जल्दी ला जल्दी ला जल्दी ला आराम से ला रुक जा भी गाना ला 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 करते रहते। अगला सवाल देखो, सॉल्यूशन देख लो, सॉल्यूशन बेटा 10th क्लास वाले बच्चे आपके लिए अलग सेशन रखेंगे, चिंता मत करो। अरिजीत अपने गाने गा रहा है, हम खुद के गा रहे हैं, दोगे यार। फेरिक वाला रिड्यूस होगा, गधे K-4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस कैसे करेगा? थप्पड़ मार दूंगा तेरे खींच के भी। एक बात कर रहा फालतू के चलते फिरते, उठूंगा यहीं पे भी। 14-15 रिड्यूस होगा, दिमाग खराब कर दिया एक सेकंड में। मोल कॉन्सेप्ट तो पूरा होके रहेगा जी, रिडक्शन ऑफ मेटल सेंटर एक्वस परमैंगनेट आयन इन्वॉल्व्स। बताओ भाई क्या होता है? 3 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल मीडियम, सही बात है। 3 इलेक्ट्रॉन एल्कलाइन मीडियम में नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल में नहीं, 5 इलेक्ट्रॉन एसिडिक मीडियम में यस, 1 and 4th। 3 बोल रहा है। वन एंड फोर यस, ए एंड डी आर करेक्ट, ए एंड डी आर करेक्ट। NaOH है हमारे पास में N/10, तो भाई NaOH की जो रिएक्शन हो रही है, बिल्कुल आशीर्वाद है आपको पूरा पूरा। अब क्वेश्चन के नाम से कई लोग निकल लिए हैं यहाँ से, मैं कूटूंगा उनको।
एसिड इक्वल्स टू बेस, जितने इसके इक्विवेलेंट्स होते हैं उतने ही इसके होते हैं। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। एग्जैक्टली कौन रिड्यूस कर देगा, 25 ml, यार सिंपल है, 25 ml ये है, 25 ml NH10HCl सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि भी एक H प्लस साइन देगा, वो एक OH माइनस साइन देता है। इससे सिंपल सवाल क्या पूछूं तुम लोगों को, हाँ सारे डेटा सेम कर देने हैं इसमें, सारे डेटा सेम कर देने हैं। ये लोग होली के लिए निकल लिए ना, इनके जीवन की तो बर्बादी तय है, तो मैं आपसे लिख के दे रहा हूँ आज। अरे भाई रुक जा यार, थोड़ी देर की बात और है, बस आधे घंटे में खत्म हो जाएगा अपना सेशन। हालांकि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ कौन है और कौन नहीं। प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का सवाल है, ध्यान से सुने, ध्यान से समझे, उसका थोड़ी देर का ब्रेक लेंगे, फिर वापस कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा सेशन और रह जाए। देखो ध्यान से सुनना, 0.01 मोलर एडेड टू 200 ml ऑफ 0. मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट का बताया था वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 1। ब्यूरेट के थ्रू ऐड कर रहे हैं, इनिशियल रीडिंग ऑफ ब्यूरेट वाज 50 ml, मतलब KMnO4 लिया कितना था शुरू में, 50 ml, वही तो रीडिंग थी। द वॉल्यूम ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन लेफ्ट इन द ब्यूरेट आफ्टर द एंड पॉइंट इज, एंड पॉइंट में क्या हो गया, देखो सीधी सी बात है, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, KMnO4, रिड्यूसिंग कौन है, मोहर सॉल्ट, ये तो पता है ना भाई सबको, अरे बोलो बाबू, मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर इक्वल्स टू मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अब मोल कैसे निकाल सकते हो आप लोग, मोल कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम, कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.05 मल्टीप्लाई वॉल्यूम 20 ml, ये तो मिलीमोल्स आएंगे ना, इधर भी मिलीमोल्स ही रहेंगे, मल्टीप्लाई 1, इसका वॉल्यूम पूरा पूरा तो काम में नहीं आ रहा है, कुछ ही काम में आ रहा है, कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना x, मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर 5 रख देते हैं, वॉल्यूम आ जाएगा यहां से, कितना काम में आया वॉल्यूम, देखो यहां से 0.01 0.05 कितना बचेगा, यहां से 5 बचा, 5 से 5 कैंसिल, x कितना आ गया 20 ml में ही इसको निपटा देगा ये, अपन ने लिया कितना ml था 50, पूछा है कितना बचेगा, तो कितना बच गया भाई 30 ml, हाँ यस, बहुत ही अच्छा सवाल है, पता है अच्छा सवाल, दिस इज गुड क्वेश्चन। देखो यहां पर, अब यहां पर इक्विवेलेंट्स नहीं हो सकते, मिली इक्विवेलेंट्स होंगे, क्योंकि वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, ml में, सुपर सुपर कॉन्सेप्ट है दुनिया का कि मिली इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं। यहां से निकाल लिया अपन ने, गलत तरीके से सॉल्व किया हुआ है, अपन ने तो ठीक सॉल्व किया है, ठीक है, 39 तो करवा दिया ना मैंने। यार तुम बताओ मुझे, तुम्हें लेक्चर कैसा लग रहा है, तुम बताओ मुझे, आज तुमको दिक्कत आ रही है क्या यार,
तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? दस दस हो रहे हैं लगभग, जल्दी से एक बार फीडबैक दो यार। और अपन मिलेंगे 20 मिनट बाद, और ये फर्स्ट और लास्ट ब्रेक होगा। अब आगे सिर्फ 30 मिनट का लेक्चर और है, तो 11 बजे के आसपास ये सब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल स्मूथ एज वाटर, यस ऑब्वियसली यस। अच्छा सुनो यार, एक बार एक चीज तो कर लेते हैं यार, थोड़ा सा यहाँ देख लो, फटाफट से रिवाइज कराता हूँ एक चीज यार। रुको 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 बाबू, रुको बाबू, मतलब बाबू इधर देख देख। मोल वर्सेस इक्विवेलेंट, मोल कैसे निकालते हैं? इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, या मल्टी मल्टीपल वॉल्यूम, वॉल्यूम 20। ये होता है मोल मोल एनालिसिस, लेकिन इससे एडवांस क्या है? लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। देखो इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, पीवी अपॉन आरटी मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, सेम फॉर्मूला लग रहे हैं यहाँ पे, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और ये डब्ल्यू वन अपॉन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ओ वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट सेम होते हैं, यही तो किसका, फेराडे का सेकेंड लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस में, यही फेराडे का सेकेंड लॉ है इलेक्ट्रोलिसिस का, याद कर, डब्ल्यू अपॉन ई। ये कह रहा है बीजेपी के समर्थक हो? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के हो? नहीं, किसी का नहीं हो, खुद की पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, हिम्मत रखो। यही तो फेराडे का सेकंड लॉ है, डब्ल्यू वन अपॉन ई वन इक्विवेलेंट एन मल्टीप्लाई वी, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाई इक्विवेलेंट वॉल्यूम, और पी प्लस क्यू इक्वल टू आर प्लस एस ऑल हैव सेम इक्विवेलेंस व्हेन द रिएक्शन इज हैपनिंग। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? इससे पहले कभी आया क्या? तो भाई अभी 10-10 हो चुके हैं, मैंने फेराडे सेकेंड लॉ भी रिवाइज करवा दिया है। फेराडे सेकेंड लॉ क्या है कि इक्विवेलेंट सेम होते हैं, यही फेराडे सेकेंड लॉ होता है। क्या 10:30 पे सब लोग पूरे फोकस के साथ में रेडी रहेंगे, यस और नो?
तो भाई अब अपना नेक्स्ट पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। फाइल ओपन हो रही है, अपना दिमाग भी खोल लें इसी वक्त, पूरे फोकस के साथ में तैयार हो जाएं, क्योंकि फाइल हल्की है और चैप्टर तो उससे भी ज़्यादा हल्की है। मोल बेटा बोल, मेरे हिसाब से सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। भाई जल्दी से एक बार चैट सेक्शन में छाप दो फटाफट से, ताकि, अरे क्या बात है यार, क्या बात है भाई, सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर मजा आ रहे कि नहीं आ रहे यार, जल्दी बताओ ना यार। हैं, नहीं आ रहे क्या? कहीं और मजे लेना यार, पढ़ाई में कौन से मजे आते हैं? आते हैं, कभी कभी आते हैं। कुछ भाई नेक्स्ट टॉपिक लिखो। अच्छा ये कर दो, देखिए एक बार ये कर दो, फैराडे सेकंड लॉ बता के गया था ना, डब्ल्यू वन और डब्ल्यू टू के इवन पर निपटो। उसका होता क्या है, कैथोड और एनोड पर जो सब्सटेंस रिलीज होते हैं ना, उनके इक्विवेलेंट सेम होते हैं, उनके इक्विवेलेंट सेम होते हैं। ये करो देखें, रिएक्शन है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मतलब ही नहीं है। एक कौन है, मैं टल, तू भी टल, ली, तू टल्ली मैं टल, क्या होगा इनका, इक्विवेलेंट सेम होंगे। इक्विवेलेंट्स, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट की चिंता ही नहीं करनी है, इक्विवेलेंट्स। अच्छा कैसे निकालेंगे, ये कितना मास रिएक्ट करेगा ना, इसका वेट बताना है, इसके इतने वॉल्यूम से इसका कितना वेट रिएक्ट करेगा। क्या करेंगे भाई, एक्स डिवाइड बाई एटॉमिक मास। इक्विवेलेंस होता क्या है वो पूरा लिख देता हूँ, फिर कहोगे कि स्टेप मिस कर दिया आपने, हम आपको मिस कर रहे हैं, आपने स्टेप मिस कर दिया, ठीक ना भाई। मोल एक्स डिवाइड बाई 23 सोडियम वैलेंसी फैक्टर 1, एक इलेक्ट्रॉन देता है, इसका मोल निकालो। वॉल्यूम डिवाइड बाई 22.4 और वैलेंसी फैक्टर कितना होता है, 4, देखो कितना आएगा 5.6। तो आप वॉल्यूम को इक्विवेलेंट वॉल्यूम से डिवाइड कर सकते थे, वॉल्यूम को इक्विवेलेंट वॉल्यूम से डिवाइड कर देते, वॉल्यूम को इक्विवेलेंट वॉल्यूम से मतलब 5.6 से सीधा भी डिवाइड कर सकते थे, इसकी जरूरत नहीं थी, ठीक है, बट फिर भी तुम सन्नाटे हो मुझे पता है। एक्स बाई 23 सॉल्व करो इसको, ये दो, ये दो, टू, एक्स इक्वल्स टू 46 ग्राम। ठीक है भाई, यस 46 ग्राम्स, ठीक है 46 ग्राम्स, चलो ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर K2Cr2O7 है, इसका मेरे पास में 0.2 मोलर 20 ml सॉल्यूशन, और इसकी रिएक्शन हो रही है फेरस ऑक्सीलेट से 0.1 मोलर एक्स एम एल सॉल्यूशन, मतलब इसका 20 ml इसके कितने वॉल्यूम को ऑक्सीडाइज कर देगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है, भाई वैलेंसी फैक्टर ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर, O2 का वैलेंसी फैक्टर, भाई वॉल्यूम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम कर देना यार, 11.2/5.6, इक्विवेलेंट सीधे आ जाएंगे, दो इसके दो इक्विवेलेंट्स, इसके दो इक्विवेलेंट डिक्रिएट करेंगे, नहीं सिंपल है यार, माथापुड़ी नहीं किया कर रहा है ना, मेरे को बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है मेरे कॉन्सेप्ट में। हिंदी मीडियम के लिए कुछ करिए, थप्पड़ मार दूंगा खींच के, जब से स्टार्ट किया ना हिंदी मीडियम का पढ़ा रहा हूं मैं, अब आके ज्ञान देने लग जाते तुम लोग, हिंदी मीडियम के लिए कुछ करिए। क्यों भाई, जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा पढ़ रहा होगा बताओ एक बार देखे, हिंदी में नहीं पढ़ाएगा तुम लोगों को,
हिंदी मीडियम में कुछ करी है। तो इसमें क्या हिंदी मीडियम है, तुल्यांक बराबर तुल्यांक होते हैं, बता ही रहा हूं तब से। हाँ भाई, तो इससे क्या आ जाएंगे, मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट्स, ये लॉ ऑफ मिली तुल्यांक बराबर मिली तुल्यांक। ये कैसे बोल सकते हो, मिली मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, ये भी मिली मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, कूटेगा तू तो एक तो बताओ मिलीमोल कैसे निकालेंगे, मिलीमोल बताओ प्यारे बच्चों, तो कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम, मिलीमोल वैलेंसी फैक्टर कितना होता है 6 इक्वल्स टू मिलीमोल्स 0.1 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई 3, कितना आ गया 2, ये कितना रह गया यहाँ पे 2 एक्स की वैल्यू, ATML, हाँ जो पढ़ेंगे उनको तो समझ में आ ही रहा है भाई। बहुत बढ़िया भाई, 80ML आ गया, एकदम से आते हैं ज्ञान देके निकल जाते हैं, पढ़ना लिखना है नहीं। इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स होते हैं, मिली इक्विवेलेंट्स इक्वल्स टू इक्विवेलेंट्स होते हैं। आकाश कह रहा सर बंगाली मीडियम के लिए कुछ करिए, आपसे उम्मीद है। आगे देखो भाई, आगे देखो भाई, देखो इतना अभी तक पढ़ाया है मैंने, होपफुली आप लोगों को क्लियर है, ये क्लियर है क्या सब लोगों को, ये क्लियर है क्या सब लोगों को, ये क्लियर है क्या सब लोगों को, यस और नो। अभी देखो, आगे देखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, डायरेक्टली बताया था, यहां देखना कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, बहुत सिंपल टॉपिक है, कुछ है नहीं इसमें, जब क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और क्लियर हो जाएगी, ध्यान से देखना, शांति से देखना। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दो टाइप की होती है, एक वो जो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे वही डिपेंडेंट होगी जहां पर वॉल्यूम इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसे कि मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, नॉर्मलिटी इक्विवेलेंट पर लीटर, मोलरिटी मोल पर लीटर, फॉर्मलिटी यानी फॉर्मूला मास पर लीटर। और वो जो टेम्परेचर नॉन डिपेंडेंट है, इसमें वॉल्यूम का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जैसे कि मास बाय मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलेलिटी, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन, इसमें से मोल फ्रैक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ आता है यहाँ एक बार ध्यान से देख लो पूरे फोकस के साथ में। हेनरीज लॉ में आता है पी इक्वल टू के एच एक्स, यहाँ के एच हेनरीज कॉन्स्टेंट है और एक्स आपके पास में उस गैस का मोल फ्रैक्शन है जो भी, जिसकी सॉल्युबिलिटी की अपन बात कर रहे हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन में आता है पी नॉट माइनस पी एस मल्टीप्लाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। राउल्ट्स लॉ में आता है, राउल्ट्स लॉ में क्या आता है, किसी का भी वेपर प्रेशर इक्वल्स टू प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर मल्टीप्लाई उसका मोल फ्रैक्शन। डॉल्टन्स लॉ में आता है किसी इंडिविजुअल कंपोनेंट का, किसी इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है उसकी मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर का मल्टीप्लाई होता है। तो मोल फ्रैक्शन के चार जगह बेसिक एप्लीकेशंस है आपके सिलेबस में, ठीक है भाई, ये बता दिया है मैंने आपको, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता दिया है। इज इट क्लियर टू यू, तो मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ चलूंगा फिर, अगर ये क्लियर है तो मैं आगे चलूं, अगर ये क्लियर है तो मैं आगे चलूं भाई। हाँ सॉल्यूशन तो होना ही है, सॉल्यूशन है ही क्या यार, कुछ भी नहीं है सॉल्यूशन चैप्टर। हेनरीज लॉ, राउल्ट्स लॉ, आरएलवीपी, डॉल्टन्स लॉ, ठीक है ना, ये सब लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए भाई, बहुत सिंपल सी बात आप लोगों से मैंने पूछी है, मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए अब, ठीक है। ऑर्गेनिक का तो मेरा 40 घंटे का गनशॉट है भाई, उससे बढ़िया वीडियो जो है वो कहीं पर भी नहीं है, ठीक है ना। अच्छा एक सवाल करा दूं क्या आप लोगों को,
फिर आगे चल लेंगे यार, एक सवाल कर लेते हैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, पुराना रिवीजन भी हो जाएगा इस बहाने, है ना, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा, कर तो अपन टाइम पास ही रहे हैं ना। नहीं, ये लोगों को टाइम पास लग रहा होगा, ये उठूंगा उन लोगों को, पुराना रिवाइज हो जाएगा इस बहाने। सिक्सटीन ग्राम ऑफ सी एच फोर का वजन 32 ग्राम होता है या 28 ग्राम होता है गधों? वन मोल ऑफ एन टू का वेट 28 ग्राम होता है, 0.5 मोल ऑफ एसओ टू, 64 होता है, 0.5 ही दी हुई लेकिन वो 32 हो जाएगा। वन ग्राम ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है। 16 ग्राम सी एच फोर में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, यहाँ देखो भाई, सी एच फोर में 6 इलेक्ट्रॉन इसमें और 4 इसमें, 6 और 4 कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। टोटल मॉलिक्यूल कितने दिए हुए हैं, टोटल मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, मोल मल्टीप्लाई एन ए, मोल कैसे निकालेंगे, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट मल्टीप्लाई एन ए, कितना आ जाएगा टोटल मॉलिक्यूल्स किसके बराबर आ गए, एन ए के बराबर, यस और नो, है ना। अगर वो एन ए के बराबर हैं, मॉलिक्यूल्स एन ए के बराबर हैं और हर एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 10 एन ए, एन ए कितना होता है 6, कितना हो जाएगा 60। ए में सेकंड, बी में फोर, सी में फर्स्ट, देखिए प्लेस चॉइस है आपकी, आपको जहाँ कंफर्टेबल लगे, कोटा में कंफर्टेबल लगे कोटा ज्वाइन कर लो, सीकर में मतलब अजमेर में लगे अजमेर में कर लो। एक सवाल देखो भाई, एक बार शांति से यहाँ देखो, मान लो मेरे पास में है सी एच फोर का एक मोल, टोटल न्यूट्रॉन्स निकालो इसमें, सी एच फोर के एक मोल में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल दो जल्दी से। जल्दी से जल्दी से अब देखो, हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, यस और नो, होता है क्या भाई हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन ही होता है। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होंगे इसी में होंगे, कितने होते हैं 6, तो कितना हो जाएगा 10 एन ए की 6 एन ए, 6 एन ए, 6 न्यूट्रॉन, 6 एन ए न्यूट्रॉन्स बाबू। अवगाद्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना, अवगाद्रोस नंबर इज एन ए, 6 एन ए हो जाएगा यार, 6 एन ए, यस। अब अपन चल रहे हैं उस सेक्शन की तरफ जहां पर इस चैप्टर में लोगों को 99% दिक्कत आती है और उस दिक्कत को मैं खत्म कर दूंगा। इसका नाम है परसेंटेज कंपोजिशन। 99% बच्चों को दिक्कत है इसमें।
परसेंटेज कंपोजिशन ये हमारा मुद्दा है, ठीक है ना भाई। अब परसेंटेज कंपोजिशन कितने टाइप के हो सकते हैं? तो भाई हो सकते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, ठीक है ना, मास बाय वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम बाय मास परसेंट हो सकता है, मास बाय मास परसेंट हो सकता है, ठीक। जैसे विस्की के ऊपर लिखा होता है 42% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल, ठीक है। अरे जग रहे हो क्या कि सो दिए हैं? चलो यहां देखो एप्लीकेशन क्या है इसके, एप्लीकेशन वन बाय वन शांति से देखेंगे, चैप्टर ही समाप्त हो जाएगा। पहला फोकस करो, पहला एप्लीकेशन क्या है, परसेंट, सिर्फ परसेंट निकालना है, इसमें कुछ भी नहीं है, बताइए बस। इन घटनाओं का मोल कॉन्सेप्ट से कोई संबंध ही नहीं है, है ना, सिर्फ परसेंट निकालना है। परसेंटेज प्योरिटी की बात कर रहे हैं ना, परसेंटेज प्योरिटी की, ऑफ सैंपल, ठीक है ना। फोकस करो एक बार, जैसे मैं वन बाय वन यहां लिखते जाऊंगा और चीजें होती जाएगी, ठीक है ना। अभी तुम कुछ सवाल करोगे, मजा आएंगे तुम्हें। CaCO3 है, समझते जाना, क्वेश्चन को बाद में देखना, क्वेश्चन कोई नहीं देखेगा, क्या बनेगा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, अगर इसका 100 ग्राम हो इसका कितना ग्राम बनेगा, 100 ग्राम का मतलब इसका एक मोल, तो इसका भी एक मोल, इसका भी एक मोल, अगर इसका 200 ग्राम हो तो डबल हो जाएगा सबका, कितना, लेकिन बोला हुआ है 50% प्योर ही है, बाकी हो सकता है उसमें मिट्टी हो या कोयला हो या कुछ भी हो, तो अगर 50% प्योर है कितने ग्राम, 200 ग्राम, मतलब कितने ग्राम की बात चल रही है बताओ, 200 ग्राम का सैंपल अगर 50% प्योर ही है तो उस केस में किसकी बात चल रही है, बात वही 100 ग्राम की चल रही है। कैल्शियम कार्बोनेट का मास तो निकालना आता है ना, एक मोल का मास 40 + 12 + 48, जोड़ोगे तो कितना आएगा, 100 ग्राम पर मोल, तो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, एक, ये भी कितना बना, एक, ये भी कितना बना, एक, एक मोल, एक मोल, तो आप बताओ कितने ग्राम आपके पास में CO2 बनेगी, अब 44 ग्राम, तो मास डिवाइड बाई मॉलिकुलर मास या मॉलिकुलर वेट, 44 / 44 इक्वस टू 1 मोल, 1 मोल का वॉल्यूम टाबर टाबर को पता है कितना होता है बाबू, भाई और बहनों अगर आप सो रहे हो तो इस देश के जगने की उम्मीद वैसी ही है जैसी उल्लू के दिन में जगने की है, और इसलिए मैं कहता रहा हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चरखा चलाते थे, आपको पैन चलाना है, वो खादी बुनते थे, हमें सफेद वर्दी बुननी है, और इसलिए फोकस करना पड़ेगा। यहां देखो अगला क्वेश्चन देख सकते हैं फटाफट से, अगला क्वेश्चन मुझे आपको दिखाना है 20 ई क्यों लिखा हुआ है इसके ऊपर, आई डोंट नो, भूल गया, परसेंट, सिर्फ परसेंटेज, 95%
प्योर लाइम है, लाइम ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हीट करो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। अगर ये 100 kg होता तो भाइयों बहनों ये 56 kg, इस 56 kg से मुझे अपने सीने की याद आ रही भाई बहनों, मेरा सीना 56 kg का तो नहीं 56 इंच का है। और इसलिए अगर मेरे पास में 200 किलो होता तो ये 112 किलो और ये 88 किलो बनता, लेकिन इनके तो खून में ही गड़बड़ है जी। और जिनके खून में गड़बड़ हो वो कैसे पूरा काम बिना भ्रष्टाचार के कर सकते हैं जी, 95% ही प्योर है तो 112 तो नहीं होगा, 112 तो नहीं होगा, 112 से कम ही होगा, 212 तो होने से रहा, हाँ ये भी 95% ही बनेगा। फिर 95% आप निकाल सकते हो, 95 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 112, मतलब 95 मल्टीप्लाई 1.12 है, तो बहुत टिपिकल कैलकुलेशन हो जाएगी भाई, चेक कर दो कितना आएगा। डी होगा, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बट सिंपल क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब परसेंटेज प्योरिटी की बात यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं और बता सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। 51 भी एक शायद एक सवाल होना चाहिए इस पर बेस्ड, 51 लेट मी चेक, तो बहुत ही सिंपल है भाई, ये तो सबसे पहले करवा देना चाहिए था, बट ठीक है। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ एक्स, 2 ग्राम एक्स है वो वाली नहीं जो तुम्हें छोड़ के चली गई, एक सब्सटेंस की बात करें, 2 ग्राम ऑफ एक्स है और इसको ऐड करते हैं 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर का वेट कितना होता है भाई, 18 ग्राम, मास परसेंट ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, मास परसेंट मास अपॉन टोटल मास, मल्टीप्लाई 100, एक्स का निकालना है तो मास किसका लोगे भाई का, एक्स का लोगे 2/2 + 18 × 100, 2/20 × 100 कितना आया, 180 मार्क्स आ सकते हैं क्या नीट में, गारंटीड आ सकते हैं बशर्ते आपको पूरी याद हो, शिद्दत के साथ में आपने पढ़ी हो और मल्टीपल टाइम रिवाइज किया करो, सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं यहाँ देखो। परसेंटेज प्योरिटी ऑफ सैंपल, ठीक है ना, जिसमें हम 2 सब्सटेंस की बात करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट, मान लो एक सवाल पूछता हूं ये 40% प्योर है, तो इसके 100 ग्राम से CO2 का मास कितना आएगा,
हाँ भाई, कर सकते हो। कैसे करेंगे? वही बेसिक कैलकुलेशन, 100 ग्राम से बनता था कितना, 44 ग्राम। 40% ही प्योर है, मतलब कितना ग्राम ही रहेगा, जब 40 ग्राम ही रहेगा, 40 ग्राम से कितना बनेगा, 44 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 40। तकरीबन तकरीबन 18 ग्राम। परसेंटेज ऑफ प्योरिटी से आप मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं, मतलब परसेंटेज कंपोजिशन की जो बात कर रहे हैं, इससे किसी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास भी निकाल सकते हैं। जैसे किसी एंजाइम का, किसी प्रोटीन का बता सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, एक स्लाइड नंबर 21 पे। बहुत तैयारी करके आता हूँ मैं तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को शर्म ही नहीं है। क्या दिखा हुआ है? परसेंटेज ऑफ सेलिनियम इन परोक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम इज 0.5% बाई वेट, देन मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ परोक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम इज। भाई मिनिमम का मतलब क्या है? उसमें कम से कम एक सेलिनियम का एटम तो होगा, उसमें कम से कम एक सेलेनियम का एटम तो होगा, यस और नो? अगर एक भी सेलेनियम का एटम है, अगर एक भी सेलेनियम का एटम है तो उसका मास कितना होगा? देखो, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास, कम से कम एक एटम तो होगा, कम से कम एक सेलिनियम एटम तो होगा। एक तो होगा, और ये कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ कितना है, 0.5। और अगर एक होगा तो उसका मास कितना होगा? ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं? सिंपली यहां देखो, क्या बोल सकते हैं कि एंजाइम का 0.5% है कितना, 78.4। तो उसी एंजाइम का 100% कितना होगा? परसेंट निकालना है भाई सिंपली इसमें, ये केमिस्ट्री के साथ में कोई संबंध नहीं है इसका। मल्टीप्लाई 100, 0.5 को आप ऊपर क्या लिख सकते हो, यहां 10 लिख सकते हो, और फिर 2 हो जाएगा, तो 200 मल्टीप्लाई 78.4 ये आएगा। कितना बोल सकते हैं? लगभग 80 मान लो इसको, 80 मल्टीप्लाई 200, इन दोनों को 16 बोल दो, 16 मल्टीप्लाई, माफ करिएगा, 200 है, 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, या 1.6 इंटू 10 की पावर 4, यानी कि 1.6568 इंटू 10^4। कुछ लोगों का बी ऑप्शन आ रहा है, किसी का डी ऑप्शन आ रहा है, किसी का जी ऑप्शन आ रहा है, गधों।
हाँ अब तो सबका ही आ जाएगा ये, अब तो हर कोई निकाल देगा ये भाई। एक क्वेश्चन कर लो इसका एक और। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक मॉलिक्यूल का 8% सल्फर है, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो कॉमन सेंस की बात क्या कहती है कि मिनिमम मॉलिक्यूलर मास का सीधा मतलब है कि उसमें एक सल्फर का एटम तो होगा ही होगा, है ना, एक सल्फर का एटम तो होगा ही होगा। ठीक है ना, तो आप मुझे यार मतलब इससे सिंपल सवाल क्या पूछूं मैं, एक सल्फर का एटम तो होगा ही होगा और वो उसका 8% है, तो किसी का 8% बराबर है किसके, 32 के, तो उसका 100% कितना होगा, 32 / 8 / 100 = 400, ये उसका मिनिमम मास होगा। मैक्सिमम मॉलिक्यूलर मास के बारे में आइडिया कभी नहीं निकाल सकते आप लोग। 3200, थप्पड़ मारूंगा अभी, चांटा भी मारूंगा और अलग से खींच के पीटूंगा भी यहीं पे, रोते फिरोगे यहां से वहां। एक और दे रहा हूं, एक और दे रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो, एक और दे रहा हूं। यार तुम क्या करोगे रे यार। किसी मॉलिक्यूल में 7% नाइट्रोजन है, ये है मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताओ। मिनिमम का सीधा मतलब है कम से कम नाइट्रोजन का एक एटम तो होगा ही होगा, और नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना, मास 14, तो किसी का 7% है बराबर किसके, 14 के, तो उसका 100% बराबर होगा किसके, 14/7 × 100 खबीज कितना आएगा, 200। ये सब PYQs है पता है, ये PYQ है और तुमको PYQ से सोल्व नहीं हो रहा तुमसे। अब आ गया, अब तो आ गया, एक और करवा दूं गधों। किसी में 2% कैल्शियम है तो उसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकाल दो। होता है ना कुछ एंजाइम में कैल्शियम होगा, किसमें जिंक होता है, किसमें आयरन होता है, ऐसे निकाल दो भाई जल्दी से। दो परसेंट कैल्शियम है, एक एटम तो होगा ही होगा, 2% है उसका 40 के बराबर, 100% होगा, कैसे निकालोगे भाई, 2/40 × 100। कहाँ करूँ सॉल्व, यहाँ कर देता हूँ। नहीं सॉरी, हाँ 2% है 40 के बराबर, 2% ही 40 है तो 100% तो ज्यादा ही होगा यार। अरे बाबू, ए बाबू दे देना, बाबू दे दे, देख भगवान तेरी झोली भरेगा बाबू, तेरा जोड़ा सलामत रहे बाबू।
2000। बाबू दे 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 बाबू। नंबर ऑफ एटम्स इन बिग मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो आप इन लार्ज मॉलिक्यूल्स। लार्ज मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हो आप लार्ज मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। जैसे एक सवाल देखना और कोशिश में सवाल है अपना स्लाइड नंबर 22 पे। उससे पहले 26 वाला कर लेते हैं। ध्यान देखो नाइट्रोजन दिया हुआ है 28.9, मोलिकुलर मास दिया हुआ है कैफीन का 194। तो क्या बोलेंगे, मास अपॉन टोटल मास इक्वल्स टू क्या होता है, परसेंट होता है। जो मास बाय मास परसेंट दिया हुआ है, मास एक्स नहीं पता, टोटल मास दिया हुआ है 194 और मास परसेंट कितना दिया हुआ है 30 मान लेते हैं, लगभग 30 मान के, नहीं नहीं चलो 28.9 ही लिखते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए कुछ सहूलियत देखते हैं। x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, x इसको 200 मान लेते हैं, उसको 30 मान लेते हैं। x की वैल्यू सॉल्व कर पाएंगे यहाँ से कितने आदमी थे ही नहीं आदमी, तो हम तो सवाल ही गलत कर रहे हैं। मास बन टोटल मास गुणा सो तुम्हारा ताऊ करेगा, देखेंगे। रोकते भी नहीं है मुझे कि सर आप गलत कर रहे हो, सर आपको कुछ नहीं आता है, रोकेंगे भी नहीं। एक्स की वैल्यू 200 गुणा 100 इक्वल्स टू 30। दो मार्क्स कितना आ गया 60। नाइट्रोजन के एक एटम का मास होता है 1 एटम। अभी ऐसे कई सवाल कराऊंगा अपने आप हो जाएगा, कितना होता है 14। टोटल मास कितना आ रहा है 60, कितने होने चाहिए टोटल एटम्स इक्वल्स टू 60 डिवाइड बाई 14, नियरली 4 क्योंकि अपने अप्रोक्सीमेट किया है। अब बड़ मजबा Yes. I will teach at both places. ये बात मैं बता चुका हूं यार, सो बार बार सवाल नहीं करो। Exactly. अरे नहीं आए, explain again. ठीक है भाई, explain again आराम से करेंगे, मुझे पता ही था ये बोलेंगे। देखो भाई, मास अपॉन टोटल मास मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू होता है मास परसेंट। हाँ जी सर होता है। मास मुझे नहीं पता कितना है, टोटल मास दिया हुआ है 194 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 28.9। तो क्या यहां से मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, x क्या है मास ऑफ नाइट्रोजन। तो मास ऑफ नाइट्रोजन मेरे पास में सॉल्व करने पर कितना रहा है 60, मुझे क्या पूछे एटम्स, तो एक एटम का मास कितना होता है 14, तो 60 कितने एटम्स का मास होगा जी 4 एटम का मास होगा जी।
नहीं होगा। हाँ कैफीन का एक मॉलिक्यूल है भाई, कैफीन का तो एक ही मॉलिक्यूल है, इसमें नाइट्रोजन के बहुत सारे हो सकते हैं। मास देखो कितना है, 194। अच्छा एक और सवाल कर लो, घबराओ मत रे यार, इतना क्या 20 साल बना देंगे अपन, क्या बात करते हो, जान दे देंगे, जान दे देंगे तुम्हारे लिए, एक और सवाल कर लो, जान दे देंगे। एक लव मॉलिक्यूल है, लव मॉलिक्यूल होते ना कुछ एंजाइम्स, लव मॉलिक्यूल, उसका मास है 600। एएमयू बोल दो एक मॉलिक्यूल का, तो एएमयू बोल देंगे। उसमें इस 600 में 20% नाइट्रोजन है, एटम्स बताओ कितने होंगे, कोई घनचक्कर सॉल्व कर सकता है, मास निकालना पड़ेगा पहले, मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइड बाय टोटल मास, मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, मास परसेंट, बिना पेन चलाए सॉल्व करना है बाबू इसको। एक्स डिवाइड बाय 600 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 20, कितना रहेगा, 6x इक्वल्स टू 120। एटम्स कितने हो जाएंगे, 120 बाई 14 अप्रॉक्सीमेटली 8 के आसपास। अब तो निकाल दिए बड़े आराम से। अच्छा जी क्या बात है, ऐसा ही एक और सवाल, ऐसे बहुत सवाल पूछते हैं मैं परीक्षा में, मैं तो इतना सिंपलीफाई करके आप लोगों को पढ़ाता हूँ ना कि मैं क्या ही बताऊँ। 22 मास परसेंट, हीमोग्लोबिन कंटेन्स इतना परसेंट ऑफ आयरन बाई वेट, मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, ये नंबर ऑफ आयरन एटम्स पूछे हैं, पहले नाइट्रोजन के एटम से पूछ रहे हैं, आयरन के पूछ रहे हैं, क्या करेंगे, मास परसेंट इक्वल्स टू मास अपॉन टोटल, भाई ये परसेंटेज के सवाल है 10वीं के लेवल के, है ना, केमिस्ट्री का कोई संबंध नहीं इनके साथ में। 0.33 इतना ही बहुत है, 4 को तो कह, एक्स टोटल मास 67200 मल्टीप्लाई 100, इसको 0.3 भी बोल सकते हो आप, ये कैंसिल हो गया यहां से, 0.3 इंटू 672 इक्वल्स टू एक्स, ये आ गया टोटल मास। कितना हो जाएगा एक्स की वैल्यू, 67.2 मल्टीप्लाई 3, ये मास आ गया, एटम्स इक्वल्स टू मास अपॉन मास कौन सा है, टोटल डिवाइड बाय मास ऑफ वन एटम। ओ बाबू इधर देख, 67.2 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाय 56, नियरली कितना आ जाएगा, ये 3 से ज्यादा ही आएगा, 4 के आसपास। बायोलॉजी वाले बच्चों को तो पता होता है, मैथ्स वालों को दिक्कत आती है इसमें, ठीक है ना भाई, बायोलॉजी वालों को तो रटा रहता है पहले से कि 4 ही होते हैं, है कि नहीं भाई, गलत कह रहा हूँ क्या, हाँ भाई सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ भाई। देखो ये हमारे पास में
जब मैं जस्ट ए सेकेंड नंबर ऑफ एटम्स आप लोग बता सकते हैं, कुछ ज्यादा टफ हो रहा है क्या? एक सिंपल सवाल करवा दूं क्या? कंटेंट कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूल भी बता सकते हो आप इससे। एक बहुत कॉमन सवाल आता है, बताता हूँ। देखो यहाँ पर आपके पास में है Na2CO3 डॉट XH2O, इसको हीट करने पर 67% मास इज लॉस्ट। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स। भाई इसमें रोना मत, शांति से देखना, पूरे फोकस से देखना। थोड़ा सा APY क्यों है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और शांति से देख लो, शांति से देख लो, शांति से देख लो। 67% मास लॉस हो गया, मतलब यही गया। अच्छा बचा कितना? 37%। इसकी इसकी वैल्यू कितनी होती है, जोड़ के देखोगे? देख लो एक बार, 23 + 23 + 60, 106। मतलब किसी का 37% कितना है? 106। ये जो रह गया वो हो गया, तो उसका 100% कितना होगा? 106 डिवाइड बाई 37 मल्टीप्लाई 100, नियरली कितना आ जाएगा? तो सॉल्व कर सकते हो आप, एक्चुअल मास पता लग जाएगा। एक्चुअल मास कितना आ जाएगा लगभग? नियरली हाँ 300। 300 में से इसका कितना है? 106, तो इसका कितना होगा अप्रोक्सीमेटली? 200 से थोड़ा सा कम, तो ये 106 है, 190 के आसपास बोल दो। एक वाटर के मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 18। कितने वाटर के मॉलिक्यूल है यहाँ पर? नियरली 10। एग्जैक्ट सॉल्व नहीं किया है, अप्रोक्सीमेटली आइडिया दिया है आपको। इस टाइप के सवाल आते हैं, मेरे को पता था कि जैसे ही सवाल दूंगा लोग रो देंगे, ये सवाल दूंगा जैसे ही लोग रो देंगे। हाँ एग्जैक्ट सॉल्व करोगे ठीक है, एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो आ जाएगा भाई। ठीक है यार, तुम्हारे साथ यही तो दिक्कत है भाई। देखो वापस एक बार पढ़ा रहा हूँ, यहाँ देख लो, थोड़ा शांत, बस खत्म, 5 मिनट का सेशन और बचा है, हो गया खत्म मूल कॉन्सेप्ट, फिनिश्ड फिनिश्ड। एक पुराना रिवाइज कर लेते पहले, उसके बाद वापस से पढ़ लेंगे। फिनिश्ड फिनिश्ड फिनिश्ड, अच्छे अच्छे खाना खा लिया पूरा, नाइस फिनिश्ड। इसको करो देखे, अच्छा, उसका डेटा चेंज करना पड़ेगा ना यार। ओ भाई इसको तुम एक काम करो ना, इसको 63% कर दो, इसको 63% कर दो, तो सब ठीक है, ऐसे होगा, घबराओ मत। ए यार तुम तो सारा, यहाँ देखो करो इसको, बोल तो कूटूंगा यहीं पे भी। 1 मोल ऑफ KNO4 रिएक्टेड विद Fe2O4 इन एसिडिक मीडियम, कितने इलेक्ट्रॉन लेता है एसिडिक मीडियम में? 5 इलेक्ट्रॉन। यस सर नो, रिएक्टेड अमाउंट ऑफ Fe2O4 बताओ। मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी, वापस एक्सप्लेन करूंगा अभी, रुक जाओ, वापस एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो, पूरा करूंगा। KNO4 मूड चेंज करने के लिए दे दिया है सवाल, ये मेरे को पता था उसमें लोग फंस जाते हैं, थोड़ा मूड चेंज करने के लिए दे दिया भाई, थोड़ा मूड तो चेंज कर ले यार।
इक्विवेलेंट्स बराबर होते हैं, मान तो जा थोड़ी देर, तो थोड़ा मूड ही चेंज कर ले। 1 मोल 5 एसिडिक मीडियम दिया हुआ है, एक्स फाइव बाई थ्री मोल्स। इक्विवेलेंट्स कितने होंगे इसके? इक्विवेलेंस निकालने हैं तो मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। मोल कितने हैं? 5/3। वैलेंसी फैक्टर कितना है? 3। कैंसिल 5। एक और दो दोनों सही हैं बाबू। अरे नहीं बाबू, एक और दो दोनों सही है, इतना सिंपल नहीं है सवाल। 1/3 मोल इसको तो ये रटा हुआ है, हर किताब में ये आंसर होता है। थप्पड़ मार दूंगा इधर में, उल्टी सीधी बातें करता है यहाँ पे, बदतमीज कहीं का। ओके, सबका गलत है, इसलिए तो मैंने मूड चेंज करने के लिए दिया है कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता। वापस समझाएंगे, चिंता नहीं करी बाबू जी। ए बाबू इधर देखना, ए बाबू इधर देख, समझ। इसको हीट किया, 63% मास इज लॉस्ट। तो मुझे ये पता है कि इतना मास रह गया, ये मास कितना है? 106। अच्छा कितना परसेंट है? 37%। तो किसी का 37% कितना है? 106। उसका 100% निकाल सकता हूँ क्या यहाँ से? हाँ निकाल सकता हूँ। कितना है? नियरली 100। उस 100 में से इसका मास निकाल दो तो वो कितना, किसका मास रह गया? वाटर का मास। वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है? 18। मास डिवाइड बाई वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का नंबर आ जाएगा। फिर इसी मास परसेंट, इसी कंपोजिशन से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला, मूलानुपाती सूत्र और अणुसूत्र भी बताते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला इसे बताते हैं, वो भी एक सवाल कराऊंगा फिर खत्म है ये। जैसे 57, यस, यस, देख लो एक करो। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ ए हाइड्रोकार्बन हैविंग 85% ऑफ कार्बन, ये एक हाइड्रोकार्बन ए है जिसका मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है, मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है ना भाई? दिख गया होगा सबको, सॉल्यूशन देख लो एक बार, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना होता है, इट्स प्योर कैलकुलेशन, उसमें माथा नहीं लगाएंगे अभी। देखो कार्बन कितना है? 85.5, तो रिमेनिंग हाइड्रोजन कितना हो गया? 14 ग्राम। मोल्स निकाल सकते हैं, 85 ग्राम डिवाइड बाय 12, इसके मोल्स निकाल दिए 14। 7.15 से डिवाइड कर देंगे, छोटा नंबर है 1, ये कितना आया? 2, ठीक है ना? तो इससे मेरे पास में एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आ गया? CH2। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना आ गया? 14। मॉलिक्यूलर मास कितना है? 84। एन की वैल्यू क्या होता है? एन मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास वो 14 है, कितना आ गया? 6। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एन मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला, 6 × CH2, कितना आ गया? C6H12, कितना आ गया? C6H12। मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, कल को मैं ये सुनूं कि आपने ये नहीं पढ़ाया, I want to complete this perfectly। एक और सवाल देख लो ऐसे ही। मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता, कुछ भी नहीं, ये मेरी फितरत में ही नहीं है। देखो एक ऐसा सवाल देखो, अभी बता दिया मैंने, कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है,
एलिमेंटल एनालिसिस ने ये सब दिया, ठीक है ना, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड पूछा है, तो कार्बन ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा, ऑक्सीजन जो बचा हुआ होगा वो होगा, सबसे डिवाइड कर दिया उसको, ये रेशियो आ गया, फिर सबसे छोटे नंबर से डिवाइड कर दिया तो क्या आ गया, CH3O, ठीक है, ये बात मॉलिक्यूलर मास, इसमें इंफॉर्मेशन ही मैंने वहां पे आपको बता दिया ना, मॉलिक्यूलर मास का कितना है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, 124 है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास 12 + 3 + 16, 31, 4 आ गया, तो CH3O को 4 से गुणा कर देंगे तो C4H12O4। हालांकि आपको उससे मतलब ही नहीं है, सिंपली एम्पिरिकल फॉर्मूला ही पूछा है, सॉल्व ही नहीं करना है, सीधा ही सॉल्व कर दे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता सकते हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी बता सकते हैं, कोई माथा फोड़ी नहीं होनी चाहिए इसमें। इस पर अभी तक लाइक भी 883 है, अफसोस की बात है, लाइक बढ़ जाने चाहिए। मैं कुछ भी मिस नहीं करूंगा, सारा चैप्टर करवा के जाऊंगा। तो देख लो एक बार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला, मास, दोनों का मास है, इससे एन की वैल्यू आ जाती है, या एन मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये भी सब परसेंटेज कंपोजिशन से ही आता है। भाई देखो, मैंने भी आपको बताया कि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दो टाइप की होती है, एक टेम्परेचर डिपेंडेंट, एक नॉन डिपेंडेंट। नॉन डिपेंडेंट में जो है वो मास आता है, वॉल्यूम नहीं आता। एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो मोल फ्रैक्शन है, उसकी थोड़ी सी बात एक बार कर लेते हैं, थोड़ी सी बात एक बार मोल फ्रैक्शन की कर लेते हैं भाई। मोल फ्रैक्शन या मोल भिन्न कैसे निकालते हैं, देखो भाई, किसी सैंपल में मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए मान लो इसके मोल ए हैं, इसके मोल बी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कैसे आएगा, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, बी कैसे आएगा, मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल अपॉन टोटल मोल, और मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है ना वो हमेशा वन होता है, तो अगर एक्स ए क्या होगा, वन माइनस एक्स बी, और एक्स बी क्या होगा, वैसे तो काई बोलते हैं इसको, तो एक्स ए प्लस एक्स बी, मतलब मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है ना वो हमेशा हमेशा कितना होता है, वन, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। अब यहां देखो एक बात, ध्यान से देखो, ये मोल फ्रैक्शन कुछ एप्लीकेशन है, हेनरीज लॉ में, आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, राउल्ट्स लॉ में, और ये डाल्टन्स लॉ में। अब यहां समझो जो काम की बात बता रहा हूं वो यहां पर है। मान लो, इसकी बाद में करेंगे, यहां देखो मेरे पास में हाइड्रोजन का 2 ग्राम है और CH4 का भी 2 ग्राम है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 निकाल सकते हो क्या आप, तो कैसे निकालोगे, मोल्स अपॉन टोटल मोल। क्या मुझे मोल्स दिए हुए हैं क्या, नहीं सर, मुझे तो वेट दिया हुआ है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इक्वल्स टू मोल्स, वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास, फिर टोटल मोल्स, वेट डिवाइड बाय मॉलिकुलर मास प्लस यहां कितना आ जाएगा, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, एक्स ऑफ एच टू कितना आ गया, 1 + 1 + 1/8, कैल्शियम ले लेंगे, एक्स ऑफ एच टू कितना आ जाएगा यहां से, 8/9। पूरा सॉल्व कर देता हूं, अरे यार तुम क्या कहोगे अभी, एक्स एच टू इक्वल्स टू 1/8, कैल्शियम ले लिया, 8 + 1, एक्स एच टू कितना आ गया, 8 ऊपर चला जाएगा, 9 8/9, और सम कितना होता है, 1, तो
तो एक्स ऑफ सी एच फोर कितना हो जाएगा, 1 - 8/9, दैट इज 1/9। तो अगर दोनों का मास सेम हो तो हल्की गैस का, ये हल्की गैस है, इसका मोल फ्रैक्शन हमेशा ज़्यादा होगा। जे एडवांस का पूछा हुआ सवाल है, मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। अगर मास सेम है तो जो गैस हल्की है उसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। यहाँ देख लो एक बार, अब यहाँ देख लो, ध्यान से देखो, दो गैसेज है एक्स और वाई, दोनों का इक्वल वेट ले लिया, कितने ग्राम, जेड ग्राम। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर, लाइटर गैस, जो गैस हल्की है उसका मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा। अच्छा, अगर एक गैस CO है एक गैस N2 है, दोनों का x ग्राम लिया, तो मोल फ्रैक्शन बताओ। अगर एक गैस आपके पास में x ग्राम है, दोनों गैस xx ग्राम है, CO भी x ग्राम है N2 भी x ग्राम है, तो मोल फ्रैक्शन, तो भाई CO का मास भी कितना होता है 28, और N2 का मास भी कितना होता है 28। जब मास, मॉलिकुलर मास सेम है, मास भी सेम है, तो मोल फ्रैक्शन भी सेम होंगे, दैट इज 0.5 एंड 0.5। लास्ट एंड फाइनल, परसेंटेज कंपोजिशन में एक और चीज ध्यान रखना भाई, जैसे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन जब निकालते हैं ना, तो उसमें दो प्रोसेस होते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन की जो बात कर रहा था वहां ऐड कर लेना इसको। एक ड्यूमा प्रोसेस, जिसमें नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में रिलीज होती है, पहले इस तरीके से मोल निकालते हैं और फिर परसेंटेज कंपोजिशन निकलता है। जबकि जेंडॉल प्रोसेस में नाइट्रोजन NH3 की फॉर्म में रिलीज करते हैं, इसका न्यूट्रलाइजेशन करते हैं H2SO4 के साथ में, और फिर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं, ठीक है ना। तो अगर जेंडॉल प्रोसेस कर रहे हैं तो NH3 की फॉर्म में, ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए भाई। जैसे मान लो एक सवाल आ गया ये कि जेंडॉल मेथड है एस्टिमेशन, नाइट्रोजन को इसमें एस्टिमेट कर रहे हैं, तो कौन सा कंपाउंड यूज करेंगे, तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में रिलीज होनी है जेंडॉल में, NH3 की फॉर्म में, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड होनी चाहिए, कहां पर है, यहां पर, तो जेंडॉल में ये काम में आएगा, बाकी और कोई सा काम में नहीं आ सकता। जेंडॉल काम में नहीं आ सकता, ठीक है। नाइट्रोजन NH3 में कन्वर्ट होगी और वो फिर अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट होगी। आखिरी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, 5 मिनट में खत्म कर दे रहे हैं और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। जो लोग आखिर तक टिके रहेंगे उन्हीं की मेरी नजर में इज्जत है, बाकी को मैं सबको खत्म मानता हूं। यहां देखो, यूडियोमेट्री JEE के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, नीट के हिसाब से इक्वली इंपॉर्टेंट है आजकल, और बहुत सारे सवाल इसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। इसको बोलते हैं आयतन अनुमापन, आयतन अनुमापन। लास्ट टॉपिक है, सर आप बायो भी पढ़ाते हो, भाई मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं, कूटूंगा तो बहुत बुरा तुम्हें, उल्टी की बातें करते हो। यहां देखो, CXHY एक हाइड्रोकार्बन, आपको पता है फ्यूल के तौर पर हाइड्रोकार्बन काम में आती है, चाहे वो डीजल हो सकता है, वो पेट्रोल हो सकता है, वो केरोसिन हो सकता है, वो मिथेन हो सकती है, इथेन हो सकती है, हाइड्रोकार्बन आती है, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है और उससे बनता है CO2
और उससे बनता है वाटर। ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। अगर ये एक्स ये वाई है, एक्स है, तो ये कितना होगा, एक्स प्लस वाई बाई फोर। एक्स प्लस वाई बाई फोर कंबाइन, कंबाइन डिवाइड में नहीं है, एक्स प्लस वाई बाई फोर है। ये कितना बनेगा, एक्स सी ओ टू, और ये कितना बनेगा, वाई बाई टू एच टू, क्योंकि कार्बन के साथ एक्स है तो सी ओ टू के साथ भी एक्स ही होगा। वाई ऑक्सीजन के साथ में है तो वाटर यहीं पर होगा, वाई हाइड्रोजन के साथ में भी है, ऑक्सीजन के साथ में वाई है, ठीक है ना। यहाँ पर इस तरीके से अपन लोग चल रहे, ठीक है। अगर मान लो इसका एक मोल हो तो इसका मोल कितना होगा, एक्स प्लस वाई बाई फोर मोल। ये कितनी मोल बनेगी, एक्स मोल। ये कितनी मोल बनेगी, वाई बाई टू। अब एक सवाल पूछ लेता हूँ सिंपल सा, है ना। वन मोल प्रोपेन है, इथेन है, चलो दैट इज सी टू एच सिक्स, पूरा बर्न करने के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिएगी, उसको पूरा बर्न करने के लिए ऑक्सीजन कितनी चाहिएगी। सी टू एक्स से एक्स की वैल्यू टू, वाई की वैल्यू सिक्स, ओ टू इक्वल्स टू 3.5। यस, हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट है जो मैं यहां पर कंबाइन कर रहा हूं। आगे देखते जाओ, अगर ये एक लीटर है तो ये होगा x, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं भाई ये, y बाई फोर लीटर, ये होगा x लीटर और ये होगा y बाई टू लीटर। मिथेन को पूरा बर्न करना है, मान लो मिथेन के लिए ऑक्सीजन का वॉल्यूम निकालो कि ऑक्सीजन कितनी चाहिएगी। मिथेन का कितना लीटर लिया हुआ, एक लीटर, निकाल लो देखिए ऑक्सीजन कितनी चाहिएगी। मिथेन क्या होता है, सी एच फोर, सी एच फोर होता है कि नहीं होता मिथेन। एक्स कितना, वन, वाई कितना, फोर, एक्स प्लस वाई बाई फोर, एक लीटर मिथेन है, ऑक्सीजन कितना चाहिएगा, दो लीटर। अगर ये दस लीटर है तो ये दस लीटर, सुनते जाना अभी, सुनते जाना बाबू, ये 10 लीटर है तो कितना होगा, x प्लस वाई बाई फोर मल्टीप्लाई 10 लीटर। ये कितना हो जाएगा, सब 10 से गुणा हो जाएंगे, 10x लीटर। ये 10 इंटू वाई बाई टू लीटर। ऐसे ml में हो जाएगा, मान लो 10 ml है या 1 ml है, 10 ml x प्लस वाई बाई फोर इंटू 10 ml इक्वल्स टू 10x ml इंटू 10 मल्टीप्लाई वाई बाई 2 ml। अगर सिंपली 1 ml है तो 1 ml x प्लस वाई बाई 4 इंटू 1 ml, ये भी x इंटू 1 ml 1 ml और ये भी 1 ml इंटू, मतलब वो ही ना यार, वन मल्टीप्लाई वाई, ये रट लेना, सब चीजें मल्टीप्लाई होती जाती है। अब यहां देखो एक बार, एक सवाल कर लेते हैं अपन, जेई के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है।
सबके लिए एप्लीकेबल है। जैसे मिथेन के लिए CH4 एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू हो, प्रोपेन एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, इथीन एक्स वाई की वैल्यू। सवाल देखो, 10 ml हाइड्रोकार्बन ले लिया भाई, बहुत बढ़िया, 55 ml ऑफ O2 फॉर कंप्लीट कंबशन एंड 40 ml ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड। द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन इज, हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बताओ। तो क्या मैं कर सकता हूँ क्या इसको? हाँ सर कर सकता हूँ। कैसे कर सकता हूँ बता? ये नहीं पता गधे। हाइड्रोकार्बन जो भी है, ऑक्सीजन कितनी है, x प्लस वाई बाई फोर ओ टू इक्वल्स टू एक्स सी ओ टू प्लस वाई बाई टू एच टू। अगर इसका 10 ml है मान ले, तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई बाई फोर मल्टीप्लाई 10 ml, और ये कितना हो जाएगा 10x, और ये कितना हो जाएगा 10 इंटू वाई बाई टू। मुझे दिया हुआ है ऑक्सीजन की वैल्यू 55 ml है, तो x प्लस वाई बाई फोर मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 55। ठीक है, कुछ निकल सकता है क्या इसमें से? CO2 कितनी बनी, 10x, 10x इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 40, x की वैल्यू 4, अरे वाह x आ गया, x की वैल्यू 4 प्लस y बाई फोर मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 55। कुछ हो सकता है क्या इसका, कुछ हो सकता है क्या इसका? हाँ सर, 40 प्लस 10y बाई फोर इक्वल्स टू 55। बात तो सही कह रहे हो सर, अब पता ही नहीं अब क्या होगा। सर 10y by 4 equals to 55 minus 40। ठीक है सर, सर 10y by 4 equals to 15। ठीक है सर, सर 10y by 4 equals to 15। अरे सर सॉल्व तो कर लो, वापस लिख दे रहे हो 60। 10y equals to 60, y equals to 6, x ये रहा, y ये रहा। हाइड्रोकार्बन होता है सी एक्स एच वाई, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 6, सी 4 एच 6। सी 4 एच 6 सी 4 एच 6 सौम्या यादव is given the answer. That's amazing. Some people have very sharp skills. B option. ठीक है, सिद्धार्थ, very nice यार, बहुत बढ़िया। अच्छा मजा आया क्या सवाल सॉल्व करके? मजा आया तो क्या मैं ऐसा मजा और दिलवा दूं आप लोगों को? भाई ध्यान रखना है, ये 1 mole 10 liter, 1 liter 10 ml, 10 liter, कैसे चीजें चेंज होती है पता होना चाहिए आप सभी को। ठीक है ना भाई? ठीक, बहुत बढ़िया है। There are certain laws of chemical combination. कुछ laws हैं chemical combination के, जो जिसमें से एक होता है law of mass conservation की total mass constant रहता है, एक law होता है definite proportion का कि दुनिया में आप कोई भी चीज़ laboratory में बनाओ naturally मिले उसमें जो elements होते हैं उनका fixed ratio में होते हैं। एक होता है multiple proportion, जैसे मान लो दो substance react कर रहे हैं और वो एक से ज़्यादा चीज़ें बना रहे हैं,
उनका रेशियो फिक्स रहेगा। जैसे मान लो एसओ टू है या एसओ थ्री है, तो एसओ टू और एसओ थ्री दोनों में ही, एसओ टू और एसओ थ्री दोनों में ही जो मास का रेशियो होगा वो एक होल नंबर होगा, ठीक है ना। फिर एक आपके पास में होता है अवगाड्रोज़ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जो कहता है कि टेम्परेचर और प्रेशर अगर फिक्स हो तो किसी भी गैस, टेम्परेचर और प्रेशर जब फिक्स होता है तो चाहे गैसेस डिफरेंट हो, सेम वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होते हैं, मोल सेम होते हैं, ठीक है ना। खुद पढ़ लेना, इनसे सवाल नहीं आएगा, चिंता मत कर, सवाल जो पढ़ाया वहीं से आएगा। आखिरी वाली चीज़ है, तब पांचवी क्लास के बच्चों को सिखाते हैं भाई ये लॉज ऑफ प्रोपोर्शन और ये मास कंजर्वेशन और ये सब, है ना। तो मैं इसको काउंट नहीं किया हूँ, बोल दिए हैं सीधा ही। ठीक है, एक सवाल कर, चल जल्दी कर, सोएंगे फिर सब। आखिरी है, वॉल्यूम ऑफ 0.02 एक्वस, बोला था एसिड है, बोला था बेस है, रिएक्ट ही करते हैं, फिक्स है, बोला था मिली इक्विवेलेंट, क्योंकि यहाँ एमएल में दिया हुआ ना, मिली इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मिली इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, मिली मोल मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। जिंदगी की तलाश में मिली मोल वॉल्यूम, मिली मोल कैसे निकालेंगे भाई, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई वॉल्यूम मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर। ओके, तो देखिए यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 0.02 दिया है जी भाई। हाँ भाई 0.202 दिया भाई, करो करो करो, वैलेंसी फैक्टर एक एच प्लस एन देगा, 1 मल्टीप्लाई 1 कर देता हूँ, तो किया ही नहीं। इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन 0.01 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2, 0.01 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.02 हो जाएगा, हटा 57 की घटा वॉल्यूम कितना आ गया, 10। सवाल है कोई, ये सवाल है कोई, ये तो सवाल बोलता है। यार बताओ, फिजिकल केमिस्ट्री में शुरू से आखिर तक लोग टिके हुए और जवाब दे रहे हैं, और लोग कह रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट टफ है। हा। भाई कुछ समरीज मैंने आप लोगों को बता दी है, और इसी के साथ मोल कॉन्सेप्ट की समाप्ति होती है। मैंने अपना बेस्ट दिया है, नीट काका जी की टीम बेस्ट है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, और कुछ चीज़ें पैसों से नहीं खरीदी जा सकती, वो टैलेंट से ही होती है तो होती है, वरना नहीं होती। आज सभी के प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने अपना पूरा एफर्ट किया है, चीज़ें समराइज करी है, और वो सब चीज़ें आपको सिखाई है जो आपके लिए बेस्ट है। होपफुली आप सभी ने इन चीज़ों का एंजॉय किया होगा। आज की क्लास का खात्मा यही होता है, मैं कोशिश करूँगा कि फिजिकल केमिस्ट्री को बहुत जल्दी समाप्त कर दिया जाए, और अब मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मेरा ट्रू मोटिवेशन है। थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू लर्न समथिंग एंड बिकम सक्सेसफुल, क्योंकि वो ही हम सबकी उम्मीद और एक्सपेक्टेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।